आइए आइए, घर किराए पर चाहिए था इसीलिए तो बोर्ड लगाया है, आ जाइए। रंगोली बहुत अच्छी बनाई है। मेरी बेटी ने बनाया है, बच्चे को गोद में ले लीजिए। अच्छा, आप वेजिटेरियन है ना? हम लोग ब्राह्मण हैं सर। इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब इन लोगों में से ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन खाने लगे हैं। नॉन वेजिटेरियन स्मेल, ड्रिंक स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद है, आप समझ गए ना? ओके। उस तरफ कहाँ जा रहे हैं? वो मेरा घर है, इस तरफ आइए, इधर इधर आइए। आपका घर ऊपर है, दोनों तरफ सीढ़ी है, किधर से भी चढ़ सकते हैं और कहीं से भी उतर सकते हैं। आपको पीने की आदत तो नहीं है ना? वो पिएंगे तो क्या मैं छोड़ दूंगी? आप साथ में बैठकर पिएंगी? ऐसा नहीं है काका। अगर वो पिएंगे तो मैं उनको धोऊंगी। ऐसा ही होना चाहिए, बीवी हो तो ऐसी हो। हाँ, जरा संभल कर आइएगा, घर देखते हुए मेरा कंडीशन सुन लीजिए। 2500 रुपए किराया, 5 महीने का किराया एडवांस में देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल यूनिट का 5 रुपया, महीना पूरा होते ही किराया मिल जाना चाहिए, ये कॉमन है। अरे रे, बाथरूम कॉमन है? मैंने बोला ना, कंडीशन जो है वो कॉमन है। देखिए आईना कैसे फिक्स किया है ना, इसके अंदर ही है। इधर आइए, ये किचन है, देखिए कितना खूबसूरत बनाया है इसको। मेरी बीवी भी खूबसूरत है। अभी ये सब जरूरी है क्या? इस घर की एक स्पेशलिटी है, किसी भी एंगल से देखिए तो मंदिर का शिखर दिखाई देगा। ठीक से झुक कर देखिए। अच्छा है ये? सिर्फ अच्छा कह रहे हैं, भगवान को नहीं मानते हैं क्या? भगवान के सामने ठीक है, ज्यादा माफी मत मांगिए, ये मंदिर कहीं नहीं जाने वाला, यही रहेगा। आप चलिए, ये हॉल है और वो बेडरूम है। और आप स्मोकिंग हैबिट, छींची बोलकर चिपकर पीजिएगा मत। आई डोंट लाइक स्मोकिंग, आई हेट द स्मेल एट ऑल। ये ऊपर जाने का रास्ता है, मीट द टेरेस, संभल कर आइए। और इस दीवार पर कील मत मारिएगा। इतने सारे भगवान की फोटो का क्या करना है? गले में क्या? गले में लटका लीजिए। अरे जहाँ पहले से कील है वहाँ पर लटकाइए। ठीक है। वो जो दिख रहा है ना, वो लेडीज हॉस्टल है, इसलिए उधर देखिएगा मत। मुझे लाइन मारने की आदत नहीं है सर। उनको मारने की आदत है। नारायण नारायण, मंदिर के शिखर को देख लिया। आजकल जमाना खराब हो गया है। अच्छा, इसलिए नारायण नारायण कह रहे थे। अच्छा, घर में कुआं है क्या? कुआं है, मोटर है, लेकिन एक बूंद पानी नहीं। गुड। क्या गुड? पूरे राज्य में पानी नहीं है। लेकिन तालाब में भी तो पानी है। एक जरूरी कंडीशन। क्या? इस तरह उल्टा जवाब नहीं दीजिएगा। सॉरी। क्या सॉरी वॉरी? वन मोर स्मॉल कंडीशन। क्या? अपने बच्चे को अपने घर में रखिएगा, नीचे नहीं भेजिएगा। ठीक है काका। नीचे चलिए, आप यहीं रुकिए, मेरी बेटी पूजा कर रही है, मैं जाकर प्रार्थना करके आता हूँ। आरती ले लीजिए। सब लोग हमेशा खुश रहे और कुछ भी न चाहे। नारायण नारायण। थियोरी हो गया, अब अगला टेस्ट शुरू करते हैं। चलो, घर पसंद आया? हाँ, अरे तुलसी, अभी तक आपने एडवांस नहीं दिया और तुलसी को हाथ लगा रहे हैं। क्यों बेटी, मेरी कंडीशन सब ठीक है ना? ओके काका। हाँ, मेरी बेटी गायत्री। नमस्ते। 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 बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप लोगों को घर नहीं दूंगा, आप लोग यहाँ से निकलिए। क्या सर, आपके सारे कंडीशंस को हमने ओके किया है। मेरे लिए ओके नहीं है, प्रैक्टिकल टेस्ट में आप फेल हो गए। ये क्या बोल रहे हैं काका? काका मत बोलो, तुम लोग निकलो यहाँ से। अरे वो बच्चा पिशाब कर रहा है यहाँ पर। चिल्लाओ मत, रुको, बच्चा है तो पिशाब तो करेगा ही ना। आपका बच्चा पिशाब नहीं करता क्या? बड़ा आया बोलने वाला। गायत्री, मुझे वापस सीने में दर्द हो रहा है क्या? आप भी क्या क्या सोच लेते हैं, आजकल आपकी इमेजिनेशन की कोई लिमिट ही नहीं है। आपके इमेजिनेशन के हिसाब से ये मेरा 38वां बॉयफ्रेंड था, है ना? इमेजिनेशन में डांस मैंने रोक लिया, वो तुम्हें किस नजरों से देख रहा था पता है? बेडरूम तक थॉट चला गया था क्या? सॉरी बेटी। और चाहिए? बस हो गया। आपकी ऐसी इमेजिनेशन की वजह से ऊपर का कमरा 6 महीने से खाली है। तो क्या हुआ, किसी को ठीक से जाने बिना घर किराए पर दे दे क्या? मुझ पर भरोसा होगा तो दोगे ना? तुम पर भरोसा नहीं है, ऐसा कौन कह रहा है? सर कौन है? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते काका, क्या चाहिए आप लोगों को? घर किराए पे चाहिए था। घर खाली है, किसने बोला? लिफ्ट का बोर्ड बाहर दिखा। मैं बैचलर्स को घर नहीं देता। हम पे भरोसा कर सकते हैं आप? ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाँ, घर मैंने तुम सबको दिखा दिया, पसंद आया? हम लोगों को बहुत पसंद आया सर। वेरी गुड। अब मेरी कंडीशंस। सर हमारी कंडीशन क्या है वो हम आपको बता देते हैं। अगर ठीक लगे तो आप अपनी कंडीशन बता देना। वेरी गुड वेरी गुड। What are your conditions? Tell me. पहला कंडीशन सर। हाँ बोलो। हम लोगों को सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे होंठ देखकर आपको पता चल गया होगा, शराब की बदबू से भी हमको एलर्जी है। इस एरिया में कोई वाइन शॉप नहीं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अगर यहाँ कोई शराब पीता है तो हमको बता दीजिए, हम कोई और घर ढूंढ लेंगे। सही सर ही मिले हैं। सर आपके घर में सभी वेजिटेरियन हैं? लोग ब्राह्मण हैं। इसीलिए पूछ रहा हूँ सर, हमें तो नॉनवेज के स्मेल से ही उल्टी आती है सर। कमाल कर दिया इन्होंने तो। हम लोग सुबह 4 बजे लाइट ऑन करके पढ़ाई शुरू कर देते हैं सर, उसी तरह हम लोग 12 बजे रात तक पढ़ाई करते हैं। बिजली बिल हम लोग डबल दे देंगे सर, क्योंकि हमारे लिए पढ़ाई जरूरी है, इसलिए हम लोग हॉस्टल छोड़ के अलग घर ढूंढ रहे हैं सर। अरे वाह वाह वाह, ऐसी बात है क्या? हाँ सर।
हम लोग कुछ छुपाते नहीं है, खुले विचारधारा के हैं। आपके घर में कोई जवान लड़की भी है क्या? हाँ है, क्यों? अगर उसने कहीं हम लोगों को पसंद कर लिया तो पसंद कर लिया तो शादी करने के लिए जबरदस्ती मत कीजिएगा। बहुत ओपन हो तुम लोग। हाँ तो सर, दिल में कुछ और जबान पे कुछ और, ऐसा नहीं है। हमारा सिद्धांत है न्याय धर्म मान मर्यादा विनम्रता शिष्टाचार। इतना ही है ना, या कुछ और भी है बता दो। सब कुछ खत्म हो गया सर, आप अपने कंडीशंस बताइए। मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन है, प्रैक्टिकल टेस्ट। मैं आ गई पापा। हाँ कॉलेज जाकर आती हूँ पापा। बेटी, बच्चों ये मेरी इकलौती बेटी है। नमस्ते सिस्टर। अरे रे, वापस इन्हीं में दर्द हो रहा है क्या? नहीं बेटी, इन लोगों ने मेरे दिल को छू लिया है। ठीक है। अरे रे, एनी इमेजिनेशन नहीं आ रहा है, इतने अच्छे लोग हैं ये सब। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। आप हंस क्यों रहे हैं पापा? एक लड़के ने कहा था मुझे सिगरेट का धुआं बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हाँ? है वो होठों पे सिगरेट रखकर दुख 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 धुआं उड़ा रहा है, ऐसी इमेजिनेशन हो रही है। इमेजिनेशन नहीं है पापा, लाइव है। क्या बोला, लाइव है? ओए धोखेबाज, तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है और तुम अभी से ये सिगरेट पी रहे हो? इस उम्र में नहीं पीऊंगा तो क्या तुम्हारी उम्र में पीऊंगा मैं? मैंने कई बार समझाया उसको सिगरेट मत पी, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अरे रे रे, ये क्या है? ये स्ट्रांग है। मतलब बियर अंकल, पूरी दुनिया के यूथ इसे पीते हैं। मेरी बेटी को तू क्यों ढूंढ रहा है? वो क्या है कि आज वो नहाने नहीं आई, बाथरूम में उसका कोई कपड़ा नजर नहीं आ रहा है। जिस दिन तू यहां आया था उस दिन तूने उसको सिस्टर बोला था ना निकम्मे। अरे काका, मेरे पापा डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी नर्स से प्यार करके शादी की है। अब शादी से पहले मेरे पापा उसे क्या बुलाते थे जरा बताइए तो आप। नर्स को सिस्टर? हाँ। ये क्या है, ड्रम बजाने की लकड़ी दिख रही है ये? अरे ये चिकन ड्रमस्टिक है सर। चिकन है? अरे बाप रे बाप, ची 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 ची। यहाँ बैठ कर तुम लोग चिकन खा रहे हो, कितना गलत कर रहे हो तुम्हें पता है? सिर्फ इसको खाएंगे तो गलत है सर, इसको खा के साथ में बियर पिए तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी सर, ड्रम्स बजने लगेंगे, धमाल होगा सर। धमाल मतलब? धमाल मतलब कमाल। तू कौन है, नया लग रहा है? काका मुझे पहचाना नहीं आपने? नहीं पहचाना। अरे वो लड़का चोटी लगा जो आया था। हाँ लेकिन वो किधर गया? चोटी यहाँ पर है, जब जरूरत होगी तो सर पे लगा लूंगा। हे भगवान, ये सारे निकम्मे नलायक यहीं पर आ गए हैं। तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? उस छत पे जो लड़की ना उसे सेटिंग कर रहा हूँ, दो दिन के बाद उसे फिल्म दिखाने ले जाऊंगा। अब ये घर खाली करना होगा। खाली कर लेना। मैं नहीं, तुम लोगों को खाली करना होगा। तुमने कहा था ना आज बोलूंगा तो कल खाली कर दोगे, तो मैंने आज बोल दिया, कल खाली कर देना। लाओ बेटी ये लो तुम्हारा एडवांस, ये लो। आपके पास एग्रीमेंट है क्या? एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, बोला था ना। हम लोगों की बातें क्या आपके दिमाग में घुसी? दिमाग में? हाँ दिमाग में। तू किससे बात कर रहा है, तुझे पता है? हाँ पता है, मिस्टर राजन से। hey, तू नाम लेकर बुला रहा है मुझे? और कैसे बुलाऊं? बुलाने के लिए होता है। तेरे बुलाने के लिए नहीं रखा है। नटराजन। ये नटराजन क्यों खींच रहा है? hey, क्या लंबा खींच रहा है? hey, सुन रहे ना, मेरे नाम को नट बोल्ट बोल रहा है? फिर कैसे बुलाऊं तुझे? hey, इधर आ तू, अपनी बेटी के पीछे क्या छुप रहा है? नहीं, हमको हॉस्टल से भगा दिया इसलिए यहाँ आए हैं। अब यहाँ से भगाएगा तो कहाँ जाएंगे? हॉस्टल से भगा दिया है इनको? इतने बदमाश स्टूडेंट्स हो तुम लोग। हाँ हॉस्टल में हम नशा करते थे इसलिए भगाया, अब हम एग्जाम तक यहीं पर रहेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपने जूनियर्स को ये घर भाड़े पे देंगे। क्या ये हॉस्टल है क्या, इसको तुम लोग भाड़े पर दोगे? ए, ए, गायत्री, ये सब तुम्हें ठीक लगता है क्या? ऐसे ड्रेस पहन कर जाती हो, किसी ने तुम्हें छेड़ दिया तो हमें झगड़ना पड़ेगा ना। मेरी बेटी को छेड़ रहा है, तुमको कैसे भगाना ये मुझे अच्छे से पता है। अरे बाप रे, मैं हूँ ऑटो, तू है क्या? ये ऑटो वाला संपत्ति एक तूफान है जो सबको उड़ा देता है। वैसे तो शांत हूँ, प्रॉब्लम आने पर तूफान हूँ मैं। ठीक है लेकिन तू ये तूफान क्यों चला रहा है? तूने ही तो कहा था कि लड़कों से घर खाली करवाना है, उसके लिए वकील परमानंद के घर जल्दी पहुँचना है, इसलिए तो उड़ा कर ले आया। मैंने परमानंद का घर कहा था और तू मुझे परलोक ले जा रहा था? दोनों एक ही है। वो कैसे? वकील के घर जाओगे तो घर खाली नहीं होगा बल्कि तू खाली हो जाएगा। केस खत्म होने में 40 साल लगेंगे, फैसला तू कब्रिस्तान से सुनेगा क्या? तो फिर मैं घर को लड़कों से कैसे खाली करवाऊं? उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? गुंडागिरी। डरने की जरूरत नहीं है मिस्टर अय्यर, मेरी नजर में एक गुंडा है, वो यहाँ आकर सिर्फ चिल्ला दे तो सारे लड़के चुपचाप दुम दबा कर भाग जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा खर्च होगा। कितना होगा? यही कोई 1000-25000, कुछ भी नहीं है ये। मेरे पास इतने ही, तूने कैसे करेक्ट अनुमान लगा लिया? ऑटोमेटिकली बोलता हूँ। राइट में जाएंगे वकील मिलेगा लाइफ टाइम का खर्चा, लेफ्ट में जाएंगे गुंडा मिलेगा वन टाइम खर्चा, रास्ता तुम चुन लो। ठीक है लेफ्ट में चलते, सब राइट होना चाहिए, लेकिन एक बात है, रोड पर चलोगे हवा में उड़ोगे उसकी नहीं? कोशिश करूंगा पैसे। ठीक है देता हूं। पूरी थैली हाथ में दे दो, बहुत शुभ होगा।
यही है वो गुंडा जिसे मैंने बताया था, इंटरनेशनल भाई। तुम बहुत लकी हो कि उसे जेल से बाहर आते अपनी आंखों से देख रहे हो। अब तू 36 का हो गया है। हंस क्यों रहा है तू? जेल को क्या तूने अपना घर समझ रखा है? ऐसे ही देख, अभी तेरी घूमने फिरने की उम्र है, यहाँ क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है? अच्छा ये बताओ कि ये जेल के अंदर क्यों गया? ऐसा कुछ नहीं है अय्या, पिछले साल एक हाउस ओनर का मर्डर कर दिया इसने। इतना झटका क्यों खा रहे हो? देखा अय्या, माचिस की कांडी की आवाज से ब्रा उड़ने ब्रा लगी। क्या है? ब्राउन कबूतर। ये क्या है? माला। मेरे लिए माला? तेरे लिए नहीं, उसके लिए। स्वागत नहीं करेगा उसका? देखो मुझे डर लग रहा है, मैं यहीं रहता हूँ, तुम जाओ। okay. एक मिनट रुक जाओ। क्यों? मर्डर नहीं करवाना है, सिर्फ उनको डराना है, ये पहले बता देना उसको। बात करके देखता हूं। पैसे सेफ जगह रख लिए है ना? बिल्कुल सेफ जगह है, डरने की जरूरत नहीं। मणि की जय हो। रोज तो मैं जेल में अपने जीजा जी को खाना देने आता ही हूँ ना, तो आज क्या स्पेशल है जो तू मुझे माला पहना रहा है? एक नया मेगा सीरियल स्टार्ट हो रहा है, ये सब कुछ एक्टिंग है। मेरी तारीफ कर रहे हैं, तुझे ओके है क्या? अरे बाप रे, वो लोग क्या बात कर रहे हैं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी हो, मेरा घर खाली हो जाए बस। अरे कितनी बार समझा चुका हूँ, समझ में नहीं आता। मैं गुंडों की एक्टिंग नहीं कर सकता क्योंकि मुझे गुंडों से डर लगता है यार। है, मुझे डर नहीं लगता क्या? सब कुछ तेरे लिए ही तो बोल रहा हूँ। तूने ही कहा था ना ब्याज पे 25,000 रुपए चाहिए तुझे, इसमें ना ब्याज देना है और ना ही किसी से उधार लेना है, बल्कि तू जो काम करेगा उसका यही नाम है, और तू मना कर रहा है। देख तू मेरा पुराना दोस्त है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अगर तू चाहे तो उसमें से मुझे थोड़ा दे देना, वरना तेरी मर्जी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ होगा तो नहीं? अरे तू क्यों डर रहा है, मुझे कुछ नहीं होगा। अबे तुझे नहीं, मुझे। तुझे मिल रहा है ना, ये देख 25,000, पूरा का पूरा पेमेंट एक साथ। अय्यर साहब। हाँ साहब। दे दूं क्या? हाँ दे दो, दे दो। ये ले सर, ले। वो पैसे मैंने दिए हैं, उसने दिए, ऐसा मत सोचना, बस याद रखना प्लीज। हाँ ठीक है सर। हे तू इस तरह से झुक करके बात क्यों कर रहा है? तू कौन है पता है? अब मैं तो सुब्रमणि हूँ। सुब्रमणि? ये कौन सा नाम है रे? एकदम पुराने जमाने का नाम लगता है। शूरमणि, वीरमणि, बुलेट मणि, बॉटल मणि, इस तरह का कुछ नाम यार। बॉटल मणि मस्त लग रहा है यार। अरे बाप रे, मत मत। क्या? बॉटल मणि नाम का ऑलरेडी एक ओरिजिनल गुंडा है। हा? उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। सुना है, देखा तो नहीं है ना? मैंने भी नहीं देखा है। अरे वो गुंडा साउथ में है और तू नॉर्थ में धमाल मचाने वाला है। सिर्फ 2 दिन की बात है। बॉटल मणि, तेरा पहला काम उनसे घर खाली करवाना। घर से तू बाहर निकल जा। दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। जेल जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, तुझे मार के वहीं जाके रह लूंगा। आप इसे अचानक इस घर से निकाल देंगे तो ये बेचारा कहाँ जाएगा? तेरा भाई भी तो अचानक किसी दूसरे लड़के से मेरी बेटी की शादी करवाना चाहता है, ये खुद ही निकम्मा है। इसका बताए लड़का खुद भी निकम्मा होगा। इसका हमारे अलावा और है ही कौन? माँ बाप भी नहीं। इसीलिए तरस खा के सांड जैसे तेरे भाई को अभी तक पाल रहा था, लेकिन ये तो आसिन का सांप निकला। इसकी इतनी हिम्मत कि अपने लफंगे दोस्त से मेरी बेटी की शादी करवाएगा। शकल देखी है अपनी? हे, ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तेरे बहन की भी बेटी है। मैंने मना कर दिया मतलब ये शादी नहीं होगी, चला जाओ यहाँ से। सुनिए जी, इसने जो भी किया इसे माफ कर दीजिए, हम इसके लिए दूसरा लड़का देख लेंगे ना। इसने मेरी जो बेइज्जती की वो कब है? चलो अंदर जाओ। लखेरा कहीं का क्या देख रहे हो तुम लोग? चलो जाओ अपना काम करो, आ गए तमाशा देखने। इनके घर में कभी ऐसा होता ही नहीं है। जाओ अपने पति को खाना बनाकर खिलाओ। मामा मामा, मेरी वजह से आपकी ये हालत। अरे ये तो चलेगा, लेकिन अभी मैं क्या करूं? कहाँ रहूंगा, कहाँ नहाऊंगा, कहाँ धोऊंगा जी? अरे मेरी माँ तुझे और कोई काम नहीं है क्या? हर वक्त रोती देती है। अच्छा चल ये ले, रख ले। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे रख ले कह रहा हूँ ना। अच्छा सुन, इसमें पूरे 25,000 रुपए हैं, ये डिपॉजिट के पैसे अपने प्रेमी को जाके दे दे और उसको पहले अच्छे काम पे लगने के लिए बोल दे। अगर उसे कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो तुम्हारे पिताजी के सामने मुंह खुल सकेगा। अरे मेरी माँ, मैं ऐसा रिश्ता लाया इस गुस्से में, तेरा बाप तेरे पसंद के लड़के से तेरी शादी करा देगा, अब तो खुश है ना? तुझे पता नहीं है लेकिन मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। तो अब मैं चलूँ? वकील नहीं चाहिए था इसलिए तुम गुंडे के पास गए, अब गुंडे को संभालने के लिए तुम पुलिस के पास जा रहे हो, कल उस पुलिस को संभालने के लिए फिर से वकील के पास ही जाना पड़ेगा ना। ए बदमाश, तू हमेशा नेगेटिव बात ही करेगा क्या? तू नेगेटिव काम करेगा, मैं नेगेटिव बात भी नहीं कर सकता। आ रहे आ रहे। इलेक्शन कमीशन स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट्स द मैटर। क्या रास्ते के बीच में ऐसे पैर ऊपर करके क्यों बैठा है? ये ज्यादा हो गया। गायत्री टाटा। बस बस आज भर और हुक्म चला लो। ए क्या मतलब है तेरा? ऐसा कुछ नहीं बोलना। नहीं ए चश्मेश, नाटक मत कर, चुपचाप बता क्या बोल रहा है तू। मुझे कुछ नहीं पता। ए, वो नहीं बोलेगा, मैं बताता हूँ।
क्या अंकल, तुम्हारे घर पे कोई नई मामी आई है? ए, वो मेरे वाइफ की रिश्तेदार है। तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता, हमको सब पता है। वैसे दिखने में तो वो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल हरी भरी फुलझड़ी। मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। तुम लोगों को यहाँ से भगाने के लिए इन्होंने बॉटल मनी को बुलाया है। सॉरी। ए, तू बॉटल मनी का नाम लेगा तो क्या हम डर जाएंगे? ऐसे बॉटल मनी, बुलेट मनी जैसे भाई लोग बहुत देखे हैं हमने। आने दे उसको, उसके साथ साथ तेरी भी वाट लगाएंगे। चलो रे। हमसे दुश्मनी मोल ले रहा है, इसको बहुत महंगी पड़ेगी। कॉफी। आप क्यों उनसे दुश्मनी कर रहे हैं? वही बात तो मैं इसको समझा रहा हूँ। hey, तू इधर की इधर और उधर की इधर कर रहा है, तू अपना काम कर और तू अंदर जा। शेशु, वो मामी कौन है रे बता? तू चुप नहीं रह सकता? फोन आया था कि मेरी मौसी की तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा यार। ए, तूने कहा था कि तू गांव नहीं जाएगा, अब उल्टा बोल रहा है तू। ऐसा कुछ नहीं है यार, उसने बॉटल मनी का नाम ले लिया। ए, बॉटल मनी आ रहा है, दुकान बंद करो, बॉटल मनी आ रहा है, बॉटल मनी आ रहा है, भागो। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, बॉटल मनी का नाम सुन के पूरा मार्केट ही बंद हो गया है। तुम लोग क्यों डर रहे हो? तुम तक पहुँचने से पहले वो मुझे मिलेगा, हिम्मत मत हारो, चलो। ये क्या है? विस्की कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पीने के लिए। क्या कह रही है तू? अरे हम शादी से पहले ये सब करेंगे, तभी तो होने वाला पति अगर शराबी हुआ तो हम आसानी से उसे हैंडल कर पाएंगे। ए, अपने पति की बात छोड़, तू पीकर जाएगी तो घर वालों को कैसे संभालेगी? इसके घर में किसी को शराब की बू का पता ही नहीं चलता। इतनी अच्छी परिवार की लड़की होकर ऐसा गलत क्यों करती है? ए, पता है इसके घर में सभी लोग हर वक्त नशे में रहते हैं, इसलिए किसी को भी शराब की बू पता ही नहीं चलती। वाह, क्या फैमिली। या मेरे पापा ने ही मुझे दिया है। तुम लोगों के साथ यहाँ बैठी हूँ, क्या किस्मत है मेरे। फोन बज रहा है तेरा, पहले वो उठा। हेलो। हाँ पापा। ए, पापा ही है ना, इतना क्यों डर रही है? हाँ पापा, मैं रेस्टोरेंट में ही हूँ। हम पी रहे हैं, ये भी बता दे। अरे अरे, क्या हुआ, उन्हें पता चल गया क्या? ओके पापा। ओह, जिससे मेरी शादी होने वाली है वो मुझे देखने आ रहा है और वो इस वक्त यहीं पर है। हाँ तो तू अभी से क्यों खड़ी है, पूरी जिंदगी खड़े ही रहना, चलो बैठ जा। चुप रहो तुम लोग, मुझे डर लग रहा है, मैंने आज तक उसे देखा भी नहीं है। तूने उसे देखा नहीं है तो फिर पहचानेगी कैसे? उसने ब्लू और ब्लैक पहना हुआ क्या? है। क्या, आज तक तू उसे मिली नहीं, फिर भी उसे शादी कर रही है? अरे फर्स्ट नाइट को तेरा क्या होगा रे? इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ इसका पति ही करेगा। हे, इसका दूल्हा आ रहा है ब्लू एंड ब्लैक में। हे, मस्त है यार। हाँ, तेरे पापा ने बहुत हैंडसम लड़का चुना है। क्यूट लग रहा है, मैं जाकर कह देती हूँ मैं ही इसकी मंगेतर हूँ। अरे तू क्या उसके पीछे पड़ी है, शादी के बाद तो हम उसे पटा लेंगे। तेरी शादी के बाद ना हम बार बार तेरे घर पर आएंगे, तुझसे मिलने नहीं, तेरे पति से मिलने। hey, किधर देख के hey. चल रहा है तू? सॉरी सर, सुबह सुबह पी के आए क्या? सर मैं पीता नहीं हूँ सर। तो फिर ये बदबू। सर दिन में कोई पीता है क्या? जरा एक मिनट। सर ये गिफ्ट को कीचड़ लग गया है, मैं इसे वॉश करके आता हूँ। इसे लेकर भाग मत जाना। सर विश्वास ही सब कुछ होता है, चाहो तो आप ये रख लो। ठीक है मैं साफ करके लाता हूँ। हाय हाय प्रिया। अरे ऐसा क्यों देख रही हो, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। वाई वाई वाई, अरे रे क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, जो सोचा था उसे उल्टा निकला। व्हाट उल्टा? हाँ आपका ड्रेस। ड्रेस? ड्रेस को क्या हो गया है? आपके पापा ने फोन पे बोला था ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू एंड ब्लैक। ए तू चुप रे, हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा प्रिया, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? बाय प्रिया, बाय बाय। सॉरी, व्हाई व्हाई सॉरी? हे सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं क्या? यू नो दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज मी, बट मैं कंफ्यूज नहीं होने वाला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और तुम्हें भी मेरे बारे में जानना होगा ना, इसीलिए तो ये मीटिंग है। टेल मी How I am? उसने आपका शर्ट पकड़ा तो उसे आप जवाब नहीं दे सकते थे? माफ करने से बड़ा इंसान वो होता है जो माफी मांगता है, ऐसा कमल हसन सर ने कहा है। Oh, so cute, यार। wait. अगर मैं आपसे आई लव यू कहूँ तो आप क्या जवाब देंगे, बताइए ना प्लीज। जब मुझे पसंद आओगी तो मैं आई लव यू बोलूंगा। बताइए क्या मैं पसंद हूँ? इसी वजह से आजकल देश में रेप केस बढ़ रहे हैं, आप लोग इस तरह बर्ताव करोगी और दोष किसी और के सर पे मर जाओगी। सब कहते हैं मैं बहुत हैंडसम हूँ। जोक। You like it? मैं तो ऐसे ही जोक करता रहता हूँ। You look so handsome, यार। Thank you, यार। मेरे साथ डेटिंग करोगे? अरे जाओ जाओ, हम लोग बुलाएंगे तो डेटिंग है, तुम लोग बुलाओगे तो उसका और ही मीनिंग होता है। तो चलो ना चलते हैं। I've been talking about myself. What about you? सर, आपकी अंगूठी को कुछ नहीं हुआ है, अच्छे से मैं क्लीन करके लाया हूँ, लेकिन अंदर का जो हीरा है ना वो डुप्लीकेट जैसे लग रहा है। जोक था सर।
This is my first gift for you. Thanks. Welcome. देखो सामान लेना जरूरी नहीं है, इनसे आशीर्वाद लेना जरूरी है। या जा, ये नारियल फोड़कर आशीर्वाद देकर आ। मैं खुद नाटक करके बेवकूफ बनाने जा रहा हूँ, इसके लिए वो हेल्प करेंगे क्या? तू बेवकूफ बनाने वाला है, ठीक है? नाटक करके बेवकूफ बनाने का आज पहला दिन। जो लोग बड़े मुकाम पर है वो सुपर स्टार्स, और छोटे लोग जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं लिटिल स्टार। इसी जगह पर नारियल फोड़कर अपने करियर की शुरुआत करते हैं और ऊपर जाते हैं। अगर तुझे भी ऊपर जाना है तो जाकर इनसे आशीर्वाद लेना होगा, जा। हाँ चलो भाई। कैसे जाएगा? तेरे ऑटो में। ऑटो में कौन है तू? सुब्रमणी। छी, बॉटल मनी है अब तू। बॉटल मनी? हे, ऑटो में जाएगा तो तेरी बेइज्जती होगी। टुप 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 टुप, तुझे बाइक से जाना होगा। अब ये टुप 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 वाली बाइक कहाँ मिलेगी? भाड़े पे लेंगे। तू किसी को जानता है क्या? किसको पता है, जाकर ढूंढेंगे। मुस्कुराता हुआ कोई बेवकूफ मिल ही जाएगा। सर, बाइक किराए पे हम सिर्फ फॉरेनर्स को देते हैं, लोकल्स को नहीं देते। अरे हम क्या तुमको पैसे नहीं देते? फॉरेनर्स पे विश्वास है मगर लोकल्स पे विश्वास नहीं है। तुझे भाड़े पे देखे पीछे पीछे भागता रहूं क्या? फॉरेनर्स का पासपोर्ट अपने हाथों में रख लेता हूं, अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत किया तो जिंदगी भर अपने देश वापस नहीं लौट पाएगा। ए, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चल जा, गाड़ी यहाँ किराए पे नहीं मिलती, यहाँ से तीसरी दुकान पे जा, वहाँ साइकिल किराए पे मिलेगी, उसे ले ले। सॉरी सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं आपसे मिलने के लिए स्टेशन जा रहा था सर, मेरे भाई को फर्जी केस में फंसा कर धुलाई कर दिया सर। सर आए, जाके उनके लिए चाय। अरे सर चाय नहीं पीते, जाके बोन बोल बोन बोल। क्या है? बोन बीटा सर। इस छोटे से बच्चे को समझ में आया, आप इतने बड़े हैं समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर आपकी रेंज क्या है और आप इस दुकान पे आए? वो किराए पर एक बाइक लेने आया था। अरे सर ये गाड़ी आपके लिए ही है, लीजिए। नहीं ये देखिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। चाबी चाबी चाबी। ऑनर मैं हूं, इसलिए तुम्हें देने के लिए कह रहा हूं ना। दूंगा या नहीं, रहने दे। ये कौन है पहले मुझे ये बता। अरे बाप रे, सर आपकी रेंज क्या है? लगता है इस आदमी को पता नहीं है। हे इधर आ। ए जी तू इधर आ। अभी इज्जत से बुलाया ना, अब ठीक है, इधर आ। अरे वो सिविल ड्रेस में E1 पुलिस स्टेशन का नया इंस्पेक्टर है, समझे क्या? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। उन्हें अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करना पसंद नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। अभी गुंडे ताऊमनी को एनकाउंटर में किसने ठोका पता है क्या? नहीं। सर ये लो चाबी। भाड़ा कैसा है, डेली है या? वो सब दूसरों के लिए, आप तीन दिन में दोगे तो भी चलेगा। ठीक है मेरा एड्रेस लिख लो। तो आपका एड्रेस पता है, इंस्पेक्टर E1 पुलिस स्टेशन, एचआर रोड, मैलापुर, चेन्नई 4। चेन्नई 4। मैंने कहा था ना सर बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। सर आप ही सरीना केस डील कर रहे हैं? मैं सिर्फ मरीना तक ही हूँ, यहाँ पे राजनीति नहीं। सर आप जाइए, तीन दिन के बाद मिलते हैं। सर 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 वो फर्जी केस में हमारे साले का केस, सर जरा देख लीजिएगा सर, प्लीज सर। ए, वो तेरा साला नहीं था, भाई था। अरे वाह, आपका दिमाग तो बहुत तेज है, लेकिन फिर भी आप बेवकूफ बनी गए। बॉटल मनी यहाँ के लिए निकल चुके हैं। Oh!
आइए, वेलकम टू ट्रिप्लिकेन। बॉटल मनी नाम है, इसलिए चेन में बॉटल लटकाया हुआ है। आइए, क्या हुआ ये सब? बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। मेरा नाम शेष गोपालन है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये गुंडा गोपालन है। चलो आइए आइए आइए। वेलकम। नमस्ते। हे, क्या कर रहा है? अरे शू निकाल रहा हूँ। पैंट भी उतार दे। तू यहाँ पे गुंडा है, ये सब नहीं करना चाहिए। अंदर चलो इसे। आइए। ये क्या शू है? हम लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली है। ऑर्थो? अरे वो चोट मोच पे लगाते हैं ना, वही इंग्लिश नहीं आती है। हम लोग बहुत पवित्र परिवार है। सिगरेट चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीता। ऊपर जो है ना, वो लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, नॉन वेज खाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया है। और आप यहाँ पर, आप पी सकते हैं। आपको ये सब, मेरा मतलब आप यहाँ बैठ कर पी सकते हैं ना। बैठिए। माजी से क्या है ना बेटी, वो भी फूंकती है क्या? चुप। ये बैठ रहे। अरे बाप रे बाप, इधर बैठ। अच्छा इनको बोला आपने? लीजिए ना। एक मिनट जरा रुकिए। आउटडोर में जब आपने उड़ाया था तो सारे कबूतर उड़ गए थे, इंडोर में उड़ाएंगे तो सारे कपड़े उड़ जाएंगे ना। जोक जोक। बिल्कुल नहीं। क्या ये लड़की कौन है? तू अंदर जा बेटी, यहीं पर रहने दो। नाम क्या है? एस नटराज आई है। लड़की का नाम क्या है? उसका नाम गायत्री। ये सब बताना जरूरी है। खूबसूरत है? नाम खूबसूरत है? नहीं, आंखें, नाक, मुंह, होंठ। और अंदर जाओ बेटी। रुक जाओ बेटी। कुछ नहीं, आप लोग लेट क्यों हो गए, यही पूछ रहा था मैं बस, और कुछ नहीं। वो क्या हुआ ना गायत्री? मैंने पूछा था। मैं इसे बताऊंगा। हाँ, जब गाड़ी निकल रहा था तो एक बीच में आ गया। मैं हमेशा तो सॉरी बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसको सॉरी बोल दिया तो तुरंत मेरा कॉलर पकड़ लिया। बहुत टेंशन हो गया था इसे। अगर उस समय इसके हाथ में बोतल होता ना तो घुसेल के अतली निकाल देता। लेकिन तुमने ऐसा तो कुछ नहीं किया ना? उसका राइट हैंड काट कर मैंने नाले में फेंक दिया। अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया आपने? क्या? ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। उसने कॉलर पकड़ा तो आपने उसका हाथ ही काट दिया। अगर बीच में कोई बोलेगा ना तो। गायत्री पढ़ती क्या है? बीए इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस? व्हाई यू वांट टू डू कंप्यूटर साइंस व्हेन एवरी टॉक यू कैन हैरी मदर इज डूइंग सेम सब्जेक्ट? व्हेन यू फिनिश योर कॉलेज एंड ग्रेजुएट यू हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द सेम फील्ड, देन व्हाट आर यू डूइंग टू माय चाइल्ड? सर आई एम सॉरी, लेकिन आप पढ़ने के बाद गुंडा बने या गुंडा बनने के बाद पढ़े, ये पूछना था। समझ गया समझ गया। बीच में बोलूंगा तो हाथ काट दोगे ना? नहीं, जिनको खाली करना है वो लोग कहाँ है? ऊपर माले पे। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। इनमें से अभी कितनों को खाली करूँ? बॉटल मनी सर, मेरे खाली करवाने का मतलब कुछ और था। आप इंसान को खाली मत कर दीजिए, उनसे सिर्फ ये घर खाली करवा दीजिए। ए ऑटो, मैंने जो कहा था इनको बताया नहीं क्या? भूल गया इतनी मैं। जरूरी बात तुम कैसे भूल सकते हो? सर उन लोगों की बदतमीजी अब सहन नहीं हो रही है सर। उनमें से एक तो बहुत ज्यादा उड़ रहा है सर, मेरी बेटी पर लाइन मार रहा है सर। अपनी लड़की को हाथ उधर क्यों रख रहे हैं सर? कौन है वो? अरे बाप रे, चलो चलो। सन, तुझे अंग्रेजी नहीं आती लेकिन तूने कमाल की अंग्रेजी बोली है भाई। वैसे ही कमाल करके इनसे भी खाली करवा दे। उन लोगों को खाली करवाना छोड़, मुझे आज सुबह घर से निकाल दिया है, अब मैं कहाँ रहूंगा ये बता। तेरे लिए 5-स्टार भी बुक करवा सकता हूँ, 2-4 दिन में मैं कुछ करता हूँ, तब तक तू यहीं रह। यहाँ पर? हाँ। कैसे? वो तेरी काबिलियत है, बस तू ऐसे ही एक्टिंग करते रहना। कॉलर उठा और आवाज बढ़ा अपनी। कौन है वो? किधर हो तुम लोग? कहाँ छुप गए हो? बाहर निकलो, बाहर आओ, चलो। हे, बोतल मनी आया है। ये कहाँ है? अरे तू ही है। ला कोयताला, कोयताला चल। अभी आए ना सामने। क्यों बे? तुम लोग बहुत बड़े गुंडे हो क्या? हाँ? बहुत उछल रहे हो ना? ना? अय्यर का घर है तो कुछ भी करोगे। घर को भाड़े पर दिया है तो तुम लोग उसको हड़पना चाहते हो क्या? हाँ? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल में नहीं सर, कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ता तो गुंडा बन गया? कॉलेज में पढ़ेगा तो तू अपने सर पे चाय गिरा के रखेगा क्या? ये फैशन है सर। बाल में कैसा फैशन, पूछ इसका। ये क्यों है पता है? नीचे अय्यर की जो लड़की है ना, उसको स्टाइल दिखाने के लिए। तब तो दिखा, करने चल दिखाना मेरे सामने अपना स्टाइल दिखाओ, चल चल दिखाना। तुम लोगों के चेहरे पर निशान पड़ेगा तब घर खाली करोगे क्या? नहीं सर, आप बोल देते तो हम कल ही घर खाली कर देते। कल ही क्या? तो मैंने मारा क्यों? वो मतलब तुम लोग खाली करोगे तभी इस बॉटल मनी का पावर का पता चलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, वो सब रहने दो। तुम में से कोई बहुत ज्यादा उछल रहा है, वो कौन है बे? ये सर, मेरा और हम सबका दिमाग खराब करने वाला यही लड़का है। रुक रहे। क्या बोला तूने? मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ सर, मुझे माफ कर दो सर। आपका जो करना है वो इनके साथ कीजिए सर, पर मुझे छोड़ दीजिए। इसका विकेट तो बिना गेंद फेंके गिर गया यार।
इस तरह पैर पे गिरना, चमचागिरी करना, किसी की बुराई करना अपन को पसंद नहीं है, बोल देता हूँ। यानी ये कहना चाहते हैं कि इनको पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो थैंक यू सर। उस बॉक्स में क्या है? केस है सर। केस है? किसी लड़की को लेकर आए हो क्या? कहाँ है वो? कहाँ छिपा कर रखा है? कैसा केस है वो? बियर केस है सर। ठीक है ठीक है, एक निकाल कर बता। ऐसा नहीं है सर, हम लोगों ने सुना है कि आप बॉटल उठा करके पेट में घुसा देते हो, फिर अतड़ी बाहर निकाले बिना आदमी को नहीं छोड़ते हो सर। ऐसा क्या, किसने बोला? ये सब मैंने पूरे शहर में फैला दिया है, तू ध्यान मत दे। ए, चल जल्दी निकाल। सर माफ कर दीजिए सर। ए, निकाल नहीं तो इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे। चल तोड़ी से। ऐसा मत करो सर। अरे तोड़। ठीक है सर, अभी तोड़ता हूँ। ऐसे तोड़ेगा? बॉटल कितना महंगा है पता है तुझे? ऊपर से कोई आवाज ही नहीं आ रही है। सबका काम तमाम कर दिया, किसी की आवाज ही नहीं आ रही। अरे है। बाप रे। अच्छे से दबाओ। सर, पीने के बाद हमें बोतल से मारना मत सर। ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुझे देखता हूँ तो गब्बर सिंह के भाई की याद आ जाती है मुझे। आप हमारी तकलीफ समझ रहे हैं ना सर? आप भी हमारी तरह यूथ है ना सर? लोग सारी तकलीफ समझते हैं। भाई इस उम्र में लाइन मारना, सिगरेट पीना, ड्रिंक करना गलत है क्या भाई? इसी उम्र में ये सब करते हैं भाई? हम उम्र करके इनको बोल रहा है, अबे मैं भी तो साथ में हूँ। इस उम्र में नहीं करेंगे तो अय्यर की उम्र में थोड़े ना करेंगे सर। पॉइंट है, सबको एक एक बियर दे। क्यों भाई, लगता है तूने पार्टी बदल दी। यूथ रे, एंजॉय करने दे। चल देखा, इस मनी के अंदर छोटे बच्चे जैसा दिल है। तुम्हारी मैयत निकालने आया था, साथ में बियर पी रहा है, तुम लोग इसे अपना नसीब समझो। थैंक यू। बॉटल मनी के बारे में तुम्हें पता नहीं है, देखना थोड़ी देर में वो सब लुढ़कते हुए नीचे आ जाएंगे। अरे बापरे, अब तुम लोगों को क्या चाहिए? पूछ रहे हो कि क्या चाहिए? इस एरिया के गुंडे हमें दिन में तो परेशान करते ही थे, अब तुम्हारे किराएदार रात में भी सोने नहीं देते। देखो, तुम लोगों ने रात में जो हरकत की वो बर्दाश्त के बाहर है, इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि तुम अब इस घर में नहीं रहोगे। उनसे खाली करवाने के लिए मैं इसको लेकर आया, आप मुझे खाली करने के लिए कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था इन गुंडों से संपर्क मत रखो। तो तुम क्यों उनके सामने नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर बोल रहे थे? पहले उस गुंडे को इस एरिया से खाली करवाओ। मैं उनको बुलाता हूँ, जब वो यहाँ आ जाएंगे तो आप खुद उनसे बात कर लीजिएगा। मनी सर, बॉटल मनी सर। रहने दो, रहने दो, उसको बाद में देख लेंगे। एसोसिएशन मीटिंग में आने तो फिर बताते हैं। क्या है? तुम्हें मनी सर बुला रहे हैं? ए, तू चुप कर। इन लोगों के बारे में मुझे पता है, ये सब लोग भीगी बिल्ली है। क्या हुआ, क्या हुआ? छिपकली से कोई डरता है क्या? बताओ क्या यार, सिर्फ दो बोतल बियर पीकर तूने इतना बवाल कर दिया, और मैं आधा दर्जन पीकर भी इतना शांत था। ए, तू एक नंबर का बेवड़ा है रे। मेरी बात छोड़, अय्यर की बात कर, उसे क्या जवाब देगा? गायत्री, गर्मा गर्म कॉफी लेके आ, मैं निकल रहा हूँ। क्या आप जा रहे हैं? लेकिन अभी तक तो आपने उनसे घर खाली नहीं करवाया। उन लोगों ने घर खाली करने के लिए हाँ बोल उनसे दिया। बोल दिया? अरे बाप रे, बॉटल बनी बॉटल कब खाली करने के लिए कहा? और एक हफ्ते में। एक हफ्ते में? तुम लोगों ने टाइम मांगा था ना? हाँ भाई, हमने मांगा था। एक हफ्ते में खाली कर देंगे सर। अब हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे सर। सर, हर बात में तुम लोग सर सर बोल रहे हो ना, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन वन वीक का टाइम मांग रहे हो ना, वो मुझे वीक लग रहा है। आप सिर्फ हाँ कर दो सर, मैं उनमें से एक को खाली कर देता हूँ, बाकी सब भाग जाएंगे। वैसे खाली मत करवा, जब वो लोग खाली करना चाहेंगे तब खाली करवा देना। ए, तेरे बाप की तरह मुझे भी शुगर पेशेंट समझाएगा? कॉफी में शक्कर क्यों नहीं डाली? जा शक्कर डाल के लेके आ जा। आप कब निकल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे एसोसिएशन मीटिंग में जाना है ना, इसलिए मैं कॉफी पी के जाता हूँ। चलेगा? ठीक है, आप कॉफी पीने के बाद चले जाइए, चलेगा। क्या ये? क्या? ऐसे ऐसे तू क्यों मुझे इस तरह से बार बार डरा रहा है? थोड़ी देर में तुम सच में डरने वाले हो। अरे मुंह से बोलो ना। मुझसे बोल रहा हूँ, तुम लोग अंदर जाओ। ऐसा नया क्या है? तुमने बॉटल मनी को जाने के लिए कहा, ये लड़के दूसरे गुंडे को बुलाकर तुम्हें मारने के लिए कहेंगे तो क्या करोगे? इस गुंडे से मिलाने का आइडिया तुमने मुझे दिया, उनको भी तुमने वही आइडिया दे दिया। वो क्या ना यार, कि आजकल के लड़के कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें गुंडों से पिटवा सकते हैं। ये देख, तेरी बेटी आ रही है ना, कितनी खूबसूरत है, हो सकता है चार लोग आए इसे उठाकर ले जाएं और किसी हवेली से तुम्हें फोन करके तुम्हें धमकी दे तो क्या करोगे? कुछ भी हो सकता है। सोचो बॉटल मनी सर, अब सिर्फ एक वीक की बात है ना, आप उन लोगों को खाली करवाने के बाद चले जाइएगा यहाँ से। ए ऑटो, ए वो मेरे बालों के पीछे चल रहा है। भाई को मुझे ऐसा टेंशन दे रहे हो यार, कोई काम दो, काम दो, काम दो। काटने पीटने का काम मांगा तो घर खाली करवाने को बोल रहे हो, ये बहुत ही चीप काम लगता है। मैं नहीं करने वाला। नहीं करना है तो छोड़ दो, जो तकदीर में लिखा है वो होगा। ठीक है यार, तेरे लिए नहीं, तेरी गायत्री के लिए मैं यहाँ रहूंगा। क्या? ए, ये क्या है? ऐसी है यार, गायत्री को बोलना क्या? एक कॉफी देने के लिए क्या कर रहा है ये? इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते? तुम जाओ अंदर। हाँ, ये एक नंबर का मजनू है। ए, पकड़ो उसे, पकड़ो उस लड़की को, पकड़ो। ए, कहाँ भाग रही है? जल्दी से चेंज दीजिए। तुम क्यों इतना डर रही है?
क्या मौसी, मछली को दबोच के तूने मार डाला? मछली तो क्या, जरूरत पड़ी तो सांप को भी मार सकती हूँ मैं, समझ गया क्या? जाओ मैं कॉलेज जा रही हूँ। ए मार्केट की तरफ से मत जा, कुछ गुंडे वहाँ परेशान कर रहे हैं, समझ गए ना? इस तरफ से चलते हैं। लड़कों का आजकल बस यही काम रह गया है, तुम इस तरफ से बस स्टॉप जाओ। बहुत घूम कर जाना पड़ेगा, ये लड़के बहुत खतरनाक है, वो घूम कर तेरे पीछे आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ तुम इन लोगों के साथ इस तरफ से जाओ। मनी सर, 8:30 बज गए हैं, तुम जाओ। मनी सर कमिंग। देखा मनी, जब ये घर के अंदर थी तो सीता, बाहर निकली तो गीता। क्या गायू गायत्री को वो गायू बुला रहा है। मनी सर आप कह रहे थे ना कि आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको काम दिलाती हूँ, चलिए गाड़ी निकाली। इसके साथ इसके साथ क्या काम है, बस यही पूछ रहा था। होने तो पापा फिर बता दूंगी, आप चलिए ना गाड़ी निकाली। आपका लोटा नीचे गिर गया, उठाइए। क्या है ये काम, तू जा मैं फॉलो करता हूँ, तू आ जाएगा जब भी तुझे जरूरत पड़ेगी, ऑटो वाला जरूर आएगा। तू जा तीन रन को मना। हाँ क्यों, आपको एक फिल्म दिखाती हूँ। क्या? हाँ मनीष सर आप चलिए ना। Hey, लड़की को फिल्म दिखाएगा तो फिल्म, मैंने कहा था ना यही है फिल्म, इन्होंने दिखाने के लिए बोला। ये कौन है, तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? बॉयफ्रेंड नहीं है, मैन फ्रेंड है। ये क्या बोल रही है यार? ये मर्द है इसलिए कह रही हूँ। अरे भाई आपने बुलाया क्या? तेरे में बहुत दम है क्या? इज्जत से बात कर। इसे क्या इज्जत देनी? ए, तुझे पता भी है ये कौन है? अरे कौन है? मनी 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 मनी। अरे वाह, आपका नाम लेते ही कैसे दुम दबा के भाग गए। भाई बहुत दिनों से बॉटल मनी हाथ नहीं आ रहा था, वो अपने एरिया में है। ए सामान निकाल। मुझे लगा आप उनके हाथ पैर तोड़ोगे, वो सीन तो मिस हो गया। अच्छा हुआ। क्या? अच्छा काम दिया, लेकिन वो लोग तो ठूस हो गए ना, वो मैं बोल रहा हूँ। नहीं अभी तो फिल्म बाकी है, वो देखो वहाँ पर। आज तो इसे छोड़ेंगे नहीं, काट डालेंगे। रेडी हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं, एकदम स्टाइल में हाई स्पीड में उतरना। इसकी तो ट्यूबलाइट लेकर क्यों आ रहे हैं? लाइट लगा कर सही है, आप ही मारने वाले हो। रुक जरा। ऑटो तो उधर ही रुक, ये मामूली लोग हैं, इनके लिए मैं ही बात हूँ। स्टार्ट कौन करेगा? मैंने कर दिया तो रुकूंगा नहीं, आता हूं। बड़ा बोल रहा था स्टार्ट नहीं करेगा, स्टार्ट कर दिया तो रुकेगा नहीं। एक बार फिर से बोलता हूं, स्टार्ट कर दिया तो रुकूंगा नहीं, स्टार्ट कर दिया रोक के दिखा। ए, तू ही बॉटल मनी है क्या? तू कोई जैक्सन दूर है क्या? क्या मजाक कर रहा है? जोक था, मैं तुझे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, आज तो मेरे एरिया में आ ही गया। भाई लोग देख रहे हैं, मैं इस लड़की को कॉलेज तक छोड़कर आता हूँ, उसके बाद हम बैठकर आपस में बात कर लेंगे ना। आज कॉलेज नहीं है, आप अपना काम करो, बाइक से उतर के एक एक को धो डालो। ओए उधर क्या, तूने सेबेस्टिन का हाथ क्यों काटा? सेबेस्टिन का हाथ मैंने काटा? कौन सेबेस्टिन? बोल गया क्या? श्रीनिवासन का भाई सेबेस्टिन। श्रीनिवासन का भाई सेबेस्टिन, फैमिली में कोई गड़बड़ लग रही है। मजाक उड़ा रहा है क्या? आज सेबेस्टिन किस हालत में तुझे पता है? किसमें? जिस हाथ से खाता उसी हाथ से धोता है। छी क्या वे? भाई 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 छोड़ दो ना, अरे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सेबेस्टिन आता, तूने क्या किया? क्या किया तूने? देखा हाथ लग गया, तूने किसके ऊपर हाथ उठाया? तेरी तो। कौन चल रही है तू? अरे वो नहीं बचाएगा तुझे, कौन बचाएगा तुझे? मारो उसे। Oh!
समझ गए। मणि सर क्यों कमाल कर दिया ना, हीरो है अपन। अरे ये तो ट्यूबलाइट लेकर आए हैं, ऑफ कर देते हैं। ऐसे उड़ उड़ के मार रही हो? डर के मारे गला सूख गया है। ठीक है आराम करो। अरे ए, ये तो तेरा मंगेतर है ना? मैं सुआ मंगेतर। हाँ वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, छोड़ यार। दिन तो डरपोक बनने की एक्टिंग कर रहा था। उसे इमेजिन करके देख यार। ये क्या नारे लगाकर हमेशा चले आते हैं, डोनेशन मांगेंगे इससे पहले घर खाली करके निकलना होगा। बोतल मनी, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, बोतल मनी। उसने लेफ्ट से मारा, राइट से मारा और फिर एक पंच सीधा मुंह में मारा। और फिर जैसे ही वो तलवार लेकर हाई स्पीड में आए ना, फिर देखा लग गई क्या, इधर दर्द हुआ। एक आया उसको धोया, दूसरा आया उसको धोया, दोनों को ऐसे ही धो रहा था। अचानक एक पीछे से आया, उसको ऐसे गोल 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 घुमाकर फिर ऐसे पकड़ लिया और फिर डिशम 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 ऐसे मारा और ऐसे निचोड़ दिया। और उसके बाद गई मेरी धोती, गई अपनी धोती। छोड़िए पापा, मेरी से चली जाती तो उसके बारे में सोचिए। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, शादी का योग चलता जा रहा है और बहुत फेस्टिवल। फेस्टिवल बोलते ही मुझे एक ही चीज याद आती है पापा, मणि सर ने एक के चेहरे पर ऐसा पंच मारा था कि सीधा उसका सर टमाटर की टोकरी में चला गया था। पंजाब राज्य का फेस्टिवल है लोहड़ी। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह मणि सर ने एक के चेहरे पर लात मारी और वो हवा में उड़कर स्विंग करके नीचे आके गिर गया था, सीधा नीचे पापा। फिर फाइट खत्म होने के बाद इसी तरह मणि सर स्टाइल से चलते हुए आए स्लो मोशन में। अब तक उनकी शादी नहीं हुई है पापा। किसकी नहीं हुई है? मणि सर की। तुम उसके बारे में बात क्यों कर रही हो? नहीं पापा, इतनी छोटी उम्र में इतनी हिम्मत आजकल किसमें होती है। ठीक है आप सो जाइए। हाँ ये आगे कहाँ तक पहुँचेगा? ये क्या पापा इतनी जल्दी उठ कर? सोता तब तो उठता ना। आप सो जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आपको उठा दूंगी, ठीक है ना? ये बताओ तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? सब कुछ टाइम से करना है ना, ब्रश करना है, नहाना है, भगवान की पूजा करनी है, दूध उबाल कर कॉफी बनानी है। उठते ही मनी सर कॉफी मांगते हैं ना। हर बात में ये मनी मनी कर रही है, जैसे ये उस मनी की बीवी हो। सही नहीं है। आज ना छोड़ूंगा तुझे, दम 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 दम, आज ना छोड़ूंगा। ये गाना मुझे पसंद नहीं है। बुलाया? तुम ये गाना गाना बंद कर दो। गाना गाना मुझे पसंद है, तुझे पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं? तुमने क्या बोलकर मुझसे एडवांस दिया मैंने था? तो बोला नहीं था, तूने मांग नहीं, दे नहीं। दिया। उन लड़कों को खाली करवाओगे इसलिए तुम्हें एडवांस दिया था मैंने। इसीलिए तो भाई ऊपर ही रह रहा ना। वो उसके लिए ऊपर नहीं है। ए, जरा वॉल्यूम कम कर। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे उसके जीजा ने उसे घर से भगा दिया है इसलिए वो यहाँ पे रह रहा है। वो इसलिए यहाँ पर नहीं है, वो लड़की गायत्री, पापा, मैं, दिल, मुझे। आराम से, ऐसे ब्रेक लगा के रुक रुक के बोलेगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक लाइन में वो सब छोड़ो, उन लड़कों को यहीं रहने दो, पहले मनी सर को घर खाली करने के लिए बोलो। यार ये बात अगर मनी तक पहुँच गई ना तो बहुत टेंशन हो जाएगी, याद रखना। कौन सा काम कैसे करना है कैसे नहीं करना ये मुझे पता है, तुझे नहीं समझ। मैं इन चीजों से नहीं डरता हूँ। ऐसे ही, ऐसे ही। मुझे ये सब मजाक नहीं चाहिए, तुम जल्दी उसको यहाँ से जाने के लिए बोलो। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मजाक, मजाक है। लगता है ये बात उसके काम तक पहुंच गई, इसने उसने किसी को मार दिया। गायत्री, इधर आ।
तुम वहाँ कहाँ? इधर आओ। मनी मनी उठा के ले चलो। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे आराम से लेकर क्या हो, बहुत खून बह गया है, कहीं इसके साथ कुछ हो ना जाए। पापा इतना खून क्यों आ रहा है? पता नहीं बेटी। भाई ऑटो लेकर आ जाओ। ऑटो में नहीं, कहीं रास्ते में निकल लिया तो क्या करूंगा? कॉल टैक्सी बुलाओ, उसमें ले जाओ। हेलो, इतनी जल्दी फोन कर दिया? ऑटो वाले जरा इधर सुनो, सुनो इधर। हाँ बोलो। वो क्या हुआ, क्या हुआ उधर? ये क्या मजाक कर रहा है? तुमने तो खाली करने के लिए कहा था, इसीलिए इसने खाली कर दिया उसे। अरे बाप रे, ऐसा क्यों किया पापा? मैंने सही कहा था। ए यार, वो जहाँ से आया था वहीं पहुँचा दिया ना। कहाँ से आया था? तूने जेल के दरवाजे पे देखा था ना। हाँ। अभी उसको अंदर करवा दिया, जेल भिजवा दिया। हाँ, पुलिस ऐसे छोड़ेगी क्या? हाँ। उसका सर देखा ना, टुकड़े टुकड़े हो गया है। बेचारी की बॉडी बचेगी कि नहीं? देखो ऑटो, तू मुझे बहुत डरा रहा है। मैं डर रहा हूँ? कॉल टैक्सी को फोन किया था ना, उसे कट कर दे, हैंडल डालकर पुलिस केस बना। पुलिस को नहीं, पुलिस स्टेशन जाना है। ऑटो वाले, ऑटो वाले यहाँ। ओह ऑटो वाले, आज तक पुलिस मेरे घर पर नहीं आई है। वो लोग आएंगे, तुझे लेकर जाएंगे। मुझे क्यों लेकर जाएंगे? तू नहीं तो उसे खाली करने के लिए बोला था ना। अरे बाप रे बाप, मनी सर आप कुछ तो बोलिए। कुछ तो कर यार। हाँ करो करो प्लीज। 3000 निकालो। 3000 निकालू क्यों? तो क्या उसे एडमिट करना है, पुलिस केस नहीं बनना चाहिए, बहुत सारा काम है। 3000 बहुत ज्यादा है, तू चुप कर। ठीक है ठीक है, ये रख लो, आज के बाद मेरे मुँह से खाली करने का शब्द आएगा ही नहीं, समझ आ गया सर? क्या सर इतनी जल्दी? बॉडी उठाओ। बॉडी बोल रहा है? अरे बॉडी जिंदा है। Hey, क्या ये साहब? छत पे बैठ के सिगरेट पी रहा था, तभी पता नहीं कहीं से कोई आवाज आई, तो देखा तो ये वाटर टैंक से कूद रहा था। अरे बाप रे। फिर मैंने इसको पकड़ा, इसका वजन बहुत ज्यादा था, तो इसका सर कंपाउंड वॉल में लग कर ये गिर गया। क्या हो गया? लव फेलियर सर। मुझे लगा ही था। क्या वो लड़की इसको पसंद नहीं करती है? सर वो लड़की इससे बहुत प्यार करती है, उसके घर वाले उसकी शादी किसी और से करवा रहे हैं। पता नहीं वो लड़की अब क्या कर रही होगी। वो शादी के आखिरी वक्त तक मेरा इंतजार करेगी, मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इसीलिए। मनी सर अगर आप चाहो तो हमारे दोस्त की हेल्प कर सकते हो। हाँ मनी सर, अगर आप चाहें तो उस लड़की को शादी के मंडप से उठा सकते हैं। क्या बकवास है ये सब? जानते हो इनको, ये बॉटल बनी है समझा? अरे इनको ये घर खाली करवाने का काम इतना छोटा लग रहा है और तुम इनसे मंडप से लड़की उठाने की बात कर रहे हो। ऑटो, कल शादी कितने बजे होने वाली है? 9:30 सर। और खाना? 11 सर। अबे ये रात को खाना क्यों खिलाएंगे? अच्छा सुनो, तुम लोग एक काम करो, कल इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के रजिस्टर ऑफिस में लेकर आ जाना, ठीक है? शादी कहाँ है? वड़ापल्ली विजया। यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ा है, घूर कर देख रहा है, तू अपना कमाल दिखाना शुरू कर। क्या तू ऑटो वाला है तो बहुत बड़ा हो गया क्या? गोली उठाने को बोल रहा तो हेल्प नहीं कर रहा है? काम के लिए हमें मनाई है? मीटर से ऊपर नीचे देने को बोल सकते हो? हम लोग का बिजनेस फिक्स है, ये भी हम लोगों का बिजनेस है। भगवान अच्छी सवारी मिलेगी ये सोचा था, गोली उठवाने का काम करा रहा है। नीचे उतार। क्या है ये? तुम्हारा पेट है और क्या? पेट नहीं, इसके अंदर क्या है वो बताएगा। शादी के लिए नारियल लेके आया हूँ। उल्लू बना रहा है मुझे, शादी का सामान कल रात को ही अंदर लेकर गए वो। मैंने पहले कहा था इन्होंने सामान खरीद लिया होगा। हेलो वॉचमैन सर, कम पड़ रहा है ऐसा फोन आया था, एक्स्ट्रा नारियल चाहिए, मालिक ने कहा था। ठीक है खोल के दिखाओ। डबल मीनिंग में बात क्यों कर रहा है? जो नीचे वो खोल के दिखाओ। बोलना, खुद ही देख ले। अरे बोरी खोलने की बात कर रहा हूँ। अरे तो देख लेना नारियल है इसमें, देख लिया ना? ठीक है नारियल अंदर लेकर के जाओ, रख के जल्दी वापस आ जाना। उधर चटनी बना के थोड़ी खाएंगे हम। तुम जैसों का भरोसा नहीं है, क्या पता खाना खाने लग जाओ। इसको समझा दे, बहुत इंसल्ट कर रहा है। तेरे फेस को इतनी इज्जत मिलेगी। ए गोनी उठा, शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है। तू भी अंदर जाएगा क्या? ठीक है तू ही उठा के ले जाना। मुझे उठाने को बोल रहा है तू? ए दरोगा जैसी पर्सनालिटी है, गोनी उठाऊंगा मैं। दरोगा साहब। हां ठीक है जाओ जाओ। हां चल उठा जल्दी जाओ। कि अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझ रहा है ये। ए तोप किसको बोला रे तूने? तोप नहीं आपको, तूफान। तोप भी ठीक है। अरे बुलाती वो लड़की आ रही है क्या? कैसे? वो तो हमें जानती भी नहीं है, कोई और आइडिया लगाना पड़ेगा। ए चुप। अरे उसके लवर का नाम लेते ही वो अपने आप आ जाएगी। लेकिन उस लड़के का नाम क्या है तू जानता है क्या? अरे बापड़ा ने तो पता ही नहीं था, हमें कोई और समझ कर वो चिल्लाई तो। मेरे रुमाल में क्लोरोफॉर्म है, बेहोश होने वाली दवा, एक ही बार में मैटर सॉल्व, समझे? ए यही लड़की का रूम है। ठीक है तू दरवाजा खोल के देख, मैं गोली तैयार रखता हूँ। अरे जल्दी गोली डालता हूँ। अबे मुझ पर नहीं। अरे सॉरी इस पर। अरे अरे लड़की है कि पहलवान है, कितनी भारी है। चुपचाप चलना।
ए, बोरी को नीचे रखो, वापस बोरी में क्या भर कर ला रहे हो तुम लोग? वो क्या है कि हम दूसरे मंडप में आ गए, गलत हो गया, हम लोग गलत मंडप पे आ गए। तुमको पता है क्या मैंने कितनी शादी करवाई है, तुम लोग मुझे चूना लगा रहे हो? काम करता हूँ, इसके नाक पर एक पंच मार, पूरे चेहरे पर नाक ही है, कहीं भी मार दे। ये बोरी बड़ी कैसे हो गई? क्या चोरी कर लाया उसके अंदर बताओ? क्यों, अंदर पूरा कल्याण ज्वेलर्स भरा पड़ा है क्या जो हम लोग यहाँ से ले जाएंगे? अरे मुझे मेरा पैसा दो, तुम्हारी इस गोली से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकर के जाओ अपना। मजाक कर रहा है क्या? तू वापस छोड़ेगा तभी तुझे पैसे मिलेंगे। ओ भाई ये सब नहीं चलेगा, ओनली ड्रॉप है, रिटर्न नहीं होता। फिर तो ऑटो का पैसा नहीं दूंगा। क्या बोला? ऑटो का पैसा नहीं देगा? ये बात ना ऐसे किसी बेवकूफ से जाकर बोलना, समझा? ऑटो बेवकूफ किसको बोल रहा है रे? तुझे ही बोला है, पूछो इनसे। थोड़ी सी हमदर्दी दिखाकर तुम्हारी हेल्प क्या कर दी, बहुत उछल रहा है तू। सारे ऑटो वाले ऐसे चीप होते हैं। ऑटो वाले तुम्हें चीप लगते हैं क्या? अभी हथियार निकालता हूं। ऑटो नहीं चलेगा, स्ट्राइक है, ऑटो वालों का स्ट्राइक है, मंडप में एक भी ऑटो नहीं आना चाहिए। अरे ऑटो वाले भैया, अंदर शादी हो रही है, मुझे माफ करो, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, गोली लेकर तुम जाओ जाओ। ऑटो का भाड़ा देके दे। हां मैं देता हूं, देता हूं, ये लो, चलता हूं। ऐसे जा रहा है, इस गोली को तेरा बाप उठाएगा क्या? बाप तक मत जा, ये तेरा चमचा है ना, इसे उठवा ले गोली, ये उठाएगा। चमचा किसको बोल रहा है? चमचा मेरे को बोल रहा है, तू रुक जा ना यार। ठीक है, पैर पकड़। ए नारियल का पैर कहाँ होता है? अरे छिप, पकड़ना। नारियल के आंख और बाल हो सकते हैं तो पैर नहीं हो सकते क्या? लड़की के लिए किस हद तक पहुंच गया देख। बोला के पार्सल लेके जाए। ए, तू तो इस लड़की से प्यार करने की बात कर रहा था, तो फिर ये लड़की कौन है? यही है मेरी लवर। हाँ भाई, ये बहुत देर तक आपका इंतजार करी, आप नहीं आए थे, खुद ही आ गई। इनकी शादी हो गई सर। फिर हम जो उठा कर लाए वो कौन है? अरे बाप रे, अरे ये कौन है? ये तो नया फेस इंट्रोड्यूस हो रहा है। हेलो मैडम, मैडम एक्सक्यूज मी। ए पानी लेके आना यार, जाना लाता हूँ। सर देखने से तो बड़े घर की लड़की लग रही है। हाँ तो क्या, विजय शेषमहल में शादी हो रही तो बड़े घर की होगी ना? क्या विजय शेषमहल? लेकिन मैंने तो कहा था वड़ापल्ली का विजय शादी मंडप। इसने तो बोला था कि विजय शेषमहल में शादी है। मुझे क्यों डांट रहा है अभी? ये इतना कंफ्यूज कर रहा है, उस समय पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे लगा कि यही होगा। और क्या, हमने किडनैप करने का डिप्लोमा थोड़े लिया है भाई। ए पानी छिड़कना जल्दी। छिड़क छिड़क। हाँ ऐसे। अरे छिड़क यार, जल्दी जल्दी, ये आंखें नहीं खुल रही है। ए तूने क्लोरोफॉर्म ही दिया था ना? और नहीं तो क्या, पैक थोड़ी पिलाया था। ए तूने कितना डाला था? जल्दबाजी में मैंने पूरा बोतल डाल दिया था यार। इससे अच्छा तो पूरा इसको पिला देता। सब खत्म, ये किडनैप केस मर्डर केस होने वाला है, देखना यार। ऑलरेडी वेश बदलने का केस है। कैसा केस सर? सूट केस। अभी ये जरूरी है क्या? अरे पहले बॉडी उठाने का काम करो। बॉडी? पहले गाड़ी निकाल, इस लड़की को बचाना है। अच्छा ये लड़की कैसे बेहोश हुई आप बताइएगा। सर शादी के मंडप में पंडित ने हवन में कुछ कर दिया, जिस वजह से एक्स्ट्रा स्मोक से लड़की बेहोश हो गई और ये हो गया। इस लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? पेरेंट्स पेरेंट्स। इसके माँ बाप अगर यहाँ पर आ गए तो इस जगह पर शादी का मंडप बनाकर यहीं साथ फेरे करवा देंगे। नहीं नहीं, आप यहीं वेट कीजिए, मैं चेक करके आता हूँ। ठीक है, जाइए जाइए। हाँ ओके। अरे बेड पर क्या पैर रख रहे हो, समझ में नहीं आता क्या? क्यों, सोएंगे तो पैर नहीं लगेगा, जो काम बोला है वो करना, तू भी ना। मुझे पता है, चल जा। सुहागरात के दिन ये सब करना जरूरी होता है क्या? ये सब एक फॉर्मेलिटी है यार। बेचारा बॉटल मनी पता नहीं किस तकलीफ में है, और इनको देख कितने मजे ले रहे हैं। ए गलती उसने किया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐसा मत बोल यार, वो हमारी हेल्प करने के लिए आया था। हाँ भाई, बॉटल मनी गुंडा हो सकता है मगर उसका दिल बहुत अच्छा है। अच्छा, वो लड़की अभी तक होश में नहीं आई क्या? मुझे डर लग रहा है कहीं वो लड़की मर तो नहीं गई है। ये क्या यार, व्हाइट एंड व्हाइट में इसको अंदर ढकेल रहे हैं, होश में आने से पहले ही ऊपर चली गई क्या? ये तू चुप। कल तक तो तू अच्छा खासा था। नहीं नहीं, ये अपना केस नहीं है। ये जानकर दिल को तसल्ली मिली। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा गंजा सर पे हैट पहने हुए इंसान को ढूंढने के लिए बोला था, वो मिला क्या? नहीं सर। दोस्त तू तो गया, लड़की को एडमिट करके गया, पैसे भी नहीं दिए उसने। मनी उधर देख। अच्छा हुआ मैं बच गया, ये होश में आ गई। हाँ यार, मर्डर केस से तो तू बच गया, लेकिन एक फ्रॉड का केस बैलेंस है बेटा। ए चुप बैठ। ए ये क्या, शादी का जो मंडप था वो तो इस तरफ था, तो फिर ये शादी के मंडप में जाने के बजाय इस तरफ क्यों जा रही है? शादी के मंडप में इसमें कोई होगा क्या यार? घर उस तरफ होगा, चल गाड़ी निकाल। ओके, पीछा कर उसका। फॉलो। ए, 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 अरे क्या हुआ? लगता है ओरिजिनल पेट्रोल डाल दिया इसलिए इंजन ब्लॉक हो गया। तू इसको स्कूटर की तरह सुलाकर स्टार्ट कर। तू और तेरी खटारा गाड़ी। एयर लॉक होता है तो ऐसे ही प्रॉब्लम होता है। मेरी जानेवन, ऐसे क्यों परेशान कर रही है मुझे, चल स्टार्ट हो जा।
ये गाड़ी के अंदर चूहे कहाँ बोल रहे हैं? ये साउंड कहाँ से आ रहा है? ये क्या है? मैं पीछे जाकर इंजन का एयर लॉक ठीक कर रहा हूँ और तुम यहाँ बैठ करके लिप लॉक कर रहे हो? यही जगह मिली थी क्या? बीच में पुलिस का लफड़ा है सर। अच्छा तो इसलिए? ये जगह बहुत सेफ है ना, इसीलिए। मेरे ऑटो को लॉज बना दिया तुम लोगों ने सर। ये क्या, तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन भी लेकर के आऊँ क्या? एक पॉपकॉर्न लाकर समंदर के पास जाकर नजारे देखते खाएंगे। और तब तक तुम लोग यहाँ पे गुलछर्रे उड़ाओगे? अंकल बोला, तूने भी बना दिया ना, तुम्हारे पास माचिस की एक तिल है क्या? क्यों सर, ऑटो के साथ तुम दोनों को भी जला दूंगा। अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार इस तरह की जोड़ी देखी है। अच्छा, आप कह रही हैं कोई आपको मंडप से अपहरण करके लाया, तो आपने उसका चेहरा नहीं देखा क्या? चेहरा देखने से पहले मैं बेहोश हो गई थी, रूमाल में बेहोशी की दवा मिलाई थी उसने। अच्छा, वैसे आपका किडनैप क्यों किया? वो भी मुझे नहीं पता। तो इसके लिए आप खुदकुशी करोगी? ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा क्या? लो सुन लो, एडवाइस वो दे रहा जिसने खुद समस्या खड़ी की है। हा? ये सब छोड़ो, जिसने आपको बचाया उसे आपने थैंक्स बोला क्या मैडम? मुझे क्यों बचाया उसने, क्यों बचाया मुझे? कहाँ है वो? उधर। उनका नाम बॉटल मनी है, बहुत बड़े गुंडे हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। कॉफी कॉफी कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, एकदम गर्म है। अयर के घर की कॉफी ऐसे पीलो, बाद में क्या हुआ बताता हूँ। मैडम जी, पहले कॉफी पीजिए फिर सब कुछ बताता हूँ। हमने सारा मैटर बता दिया है, तू अपनी बकवास करके उसको रुलाना मत वापस, समझा? मैं बकवास क्यों करूंगा जब तुम लोगों ने सब कुछ बता दिया है तो? वो सब हमने बोल दिया, तुम आउट ऑफ ऑर्डर मत बता देना। घर जाने का टाइम हो गया, घर जाने बोलो, निकलो निकलो। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो चुप करना, होना था वो हो गया। अरे हम दोनों जानबूझकर इसे थोड़े ही उठा कर लाए थे। एक साथ ऐसे रिएक्शन क्यों दिया? अरे वो कह रहा है कि हम बीच से उठा कर लाए हैं। मंडप से उठा कर लाए, ऐसा नहीं बोला था क्या? ये तुम लोग इस तरह से क्यों मुझे घेर रहे हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया है क्या? अरे रे रे रे, अरे यार तुम लोगों ने आखिर कैसे बताया, ये बात मुझे कैसे पता चलेगी? अरे यार तुम लोगों ने सिर्फ क्लाइमेक्स बताकर छोड़ दिया है क्या? मैंने सोचा था कि टाइटल से लेकर के एंड स्क्रॉल तक बताऊंगा तो मजा आएगा। मेरी बात सुनो, इसे देखो, ये जो सज धज करके खड़ी है ना, इसे हम लोगों को इस हीरो के लिए उठाना था लेकिन गलती से मंडप बदल गया, और मंडप बदलने की वजह से हम लोग इसकी जगह तुम्हें उठा करके ले आए, बस यही गलती हो गई है। ये सारी गलती इसकी है। दिस इज कॉल्ड स्मॉल कंफ्यूजन इन इंग्लिश। देखा तुम लोगों ने, सिस्टर खुद समझ करके कन्विंस हो गई है। अब तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो जाओ यहाँ से, चल के पिक्चर देखेंगे। नई वाली फिल्म में दो नए मस्त गाने जोड़ दिए हैं, जबरदस्त है। रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगा करके दबाने वाला मैं नहीं हूँ, वो है, मैंने तुम्हें गोद में उठा कर धीरे से डाला था। सिस्टर सुनो, नाराज हो गई क्या? बहुत अच्छा काम किया तूने। तुमको अकल नाम की चीज नहीं है क्या? जो शादी रुक गई है वो दोबारा नहीं होगी क्या? इसलिए बार बार मरने का फैसला करोगी? अच्छा देखो, हम सब लोग मिलकर आपके घर पे जाएंगे और आपके माँ बाप के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगेंगे और तुम्हारी रुकी हुई शादी हम वापस करवाएंगे। बस चलो तुम्हारे घर पे चलते हैं। अच्छा, भाग कर क्यों गई? पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? हम लोग बोलेंगे ना कि गलती से। रहने दो, कोई गलती से मुझे उठा कर ले गया ऐसा कहूंगी तो कौन कौन बानेगा मेरी बात को? काट कर रख देंगे। मेरे परिवार के बारे में तुम नहीं जानते, रिश्तेदारों के सामने मेरी शादी रुक गई, मेरी माँ तो ये सोचकर अब तक फांसी पर लटक गई होगी। सुसाइड करना इसके खानदान की आदत है क्या? सिस्टर तुम्हें क्या मेरा हो गया? पैर। अब तुझे क्या हो गया भाई? मेरा पैर। अच्छा सुनो, आपके घर वाले भले ही मुझे जेल में भेजते चलेगा, आपके पिताजी से डायरेक्ट बात करते हैं। अब चलो। जानते हो मेरे पिताजी कौन है? My
मालिक प्रेस को सब कुछ बता दिया है जैसा आपने कहा था, पर मालकिन को अचानक हार्ट अटैक आ गया था, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, शादी को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है, ऐसा बोलकर संभाला है। मालिक मुझे एक शक है, हो सकता है मदनपल्ली मगदेश्वरा ने प्रिया को किडनैप किया हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी वजह से उसके परिवार के लोगों की मौत हुई थी, हो सकता है कि उसने बदला लेने के लिए प्रिया बेटी को उठाने का प्लान बनाया हो। अरे इसका बाप एक दिन में 18 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। अरे आप इतना क्यों डर रहे हो? क्यों, तो उसको जाकर मारने वाला है? नहीं, क्या अपने मनी सर आम आदमी नहीं है, बॉटल मनी है। अपना मनी क्या है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। वो मेरे कहने का मतलब है कि ये एक लोकल गुंडा है, जबकि इसका बाप इंटरनेशनल डॉन है, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? वो चाहे कितना बड़ा भी गुंडा हो, ये तो सिर्फ किडनैपिंग केस है ना, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाना है? मेरा मंगेतर कौन है पता है? असिस्टेंट कमिश्नर बोल रहा हूँ मैं, जो बोल रहा हूँ बस वही कर, अगर तुझे डाउट आए तो D2 स्टेशन में भेज, अगर किसी ने गड़बड़ की तो शूट एट साइट, तेरे ऊपर कोई केस नहीं बनने दूंगा, ओके, ओवर एंड आउट। अरे कोई इन्फॉर्मेशन आई क्या? चेक कर रहा हूँ सर। कम ऑन, चेक ऑल ओवर स्टेट, कम ऑन जल्दी। ए, तुझे नंबर मिला क्या? कोशिश कर रहा हूँ सर। मैं ट्राई कर रहा हूँ सर। एडवाइस है क्या? चलो बोलो सर। आप हद पार कर रहे हो ऐसा लग रहा है सर। क्या हद? हाँ क्या हद? हाँ, एक असिस्टेंट कमिश्नर जिससे शादी करने वाला था उस लड़की को मंडप से ले गए, हमारे डिपार्टमेंट की बेइज्जती है, यही अगर तेरी बीवी होती तो चुप बैठता क्या? वो लोग उठा के ले गए, आप कैसे? तो फिर क्या वो खुद भाग गई? वो उस तरह की लड़की बिल्कुल नहीं है, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको ढूंढते हैं सर। पता है हमारी इज्जत चली जाएगी, FIR दर्ज करेगा तो सबको पता चलेगा, लोगों का तो छोड़ो गली के गुंडे भी हमारी इज्जत नहीं करेंगे, इसलिए मैंने और उसके बाप ने प्रेस में अभी तक न्यूज भी नहीं दिया है, और तुम क्या कह रहे हो FIR दर्ज कर दूं? हैं तो फिर कोई और रास्ता अब... लिख तू लिख। बोलिए सर। आतंकवादी लोग छुपे हुए हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है बैंक कॉल के जरिए, जब हम उन्हें पकड़ने जा रहे थे वो लोग बच के भाग गए, लिख ले। 5-6 लड़कों के साथ एक लड़की भी थी, वो शादी के जोड़े में थी। नहीं नहीं नहीं, वो लड़की साड़ी और बहुत सारे गहने पहनी हुई थी। चल लिख, FIR में लिखिए, इसीलिए सर्च ऑर्डर चाहिए, ऐसा लेटर टाइप कर। नो, नॉट ओनली सर्चिंग, शूटिंग शूट ऑर्डर चाहिए। सब बर्बाद हो गया, सोचा एक गुंडे से बचकर हम पुलिस के पास जाएंगे, यहाँ तो पुलिस भी गुंडा निकली। हे भगवान, अब क्या करेंगे? तुझे यहाँ से ढकेल कर सोच रहा हूँ खुद सुसाइड कर लो। मैं चुपट बे, ये सब इसकी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया भाई? और क्या, तूने तो सुसाइड ट्रेंड स्टार्ट किया ना। हाँ सही कहा। ठीक है बताओ मैं अब क्या करूँ? करोगी क्या, पी करके सो जाओ? तू डॉन की डॉटर है इसलिए सोचा फिल्टर वाटर तो लेती होगी। अच्छा देखो, हर इंसान हर वक्त गुस्से में नहीं होता है, वक्त के साथ साथ कम होता जाता है। तब तुम्हारे पापा के पास जाकर फिर तुम्हारी शादी जिससे होने वाली है उस मंगेतर को आराम से समझा कर तुम दोनों को मिलाना, ये मेरा वादा रहा। तब तक आप यहाँ पर शांति से रह सकती हो, प्लीज। कितने दिन तक रहूं? यही कोई एक हफ्ता, एक महीना, एक साल। तू बात कर लेना, तू डील कर ले इसके साथ, मेरी जुबान थोड़ी लंबी है, तू ही बात कर ले भाई। तब तक मैं कहाँ रहूंगी? यहीं पर रहोगी। सत्यानाश, क्या हो रहा है ये? 5 लोगों को खाली करवाने आए थे, 10 लोग हो चुके हैं, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और जा करके काउंटिंग बढ़ाओ, एक और बढ़ जाएगा तो क्रिकेट टीम बन जाएगी। मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे भूख लगी है। सिस्टर को इसमें इंटरेस्ट नहीं है खाने के पीछे, सबको यहाँ भूख लग रही है। अच्छा सुनो, आपको मुझे भी जा सबके लिए खाना लेके आना। ठीक है, नूडल हेयर, जरा मेरे लिए एक जुगाड़ करके ले आना। अरे गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ा रहा हूँ यार, और मेरे लिए अपने अकाउंट से 2 लेकर के आ जा। ठीक है ले आऊंगा। क्या हुआ गायत्री, तुम क्या सोच रही हो? पापा कहाँ चले गए थे इतनी देर से? मंदिर गया था, वहाँ पर कृष्ण लीला प्रवचन था, सुनकर बहुत शांति मिली। पापा उस लीला को छोड़िए, वहाँ ऊपर ऊपर क्या है, दारू पी रहे होंगे सिर्फ एक सप्ताह ना, फिर सब कुछ क्लोज। इतने दिन तक सिर्फ दारू और सिगरेट ही पी रहे थे, लेकिन आज दो लड़कियां आई हैं। दो लड़कियां हैं ना वो? हैं लड़कियां अपने घर में? अरे बाप रे, वो मणि सर को पता है क्या? एक लड़की को तो मणि सर ही उठा कर लाए हैं। धोखेबाज कहीं का। नहीं, इतना टेंशन क्यों ले रहा है, एक ही तो रूम है, कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे ना। कैसे एडजस्ट करेंगे, एक रूम तो इन दोनों ने कब्जा कर लिया है, फिर इस लड़की के लिए बात कहीं का। अय्यर साहब। क्या अय्यर साहब, ये घर है या इसे लॉस समझ कर रखा हुआ है? अय्यर साहब चुप करो। ये अय्यर साहब, इस जगह पर मैं इज्जत से रहता आया हूँ, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या किया? मेरी भी एक शादी के लायक बेटी है, कौन है ये लोग, यहाँ क्या कर रही हैं? एक खुद भाग करके आई है, दूसरी को हम उठा कर लाए। कैसे यहाँ पर आई ये नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर क्यों आई है ये पूछ रहा हूँ। रुको रुको रुको, क्या कर रही हो? इन सब की जरूरत नहीं है, मेरे पैर क्यों पड़ रही हो? ये लोग पहली बार अच्छा काम करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दो ना, पहले धोती नीचे। क्या अच्छा काम करने जा रहे हैं जो मैं इनको धोती नीचे करके आशीर्वाद दूं? हैं, पहले तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ। यार क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, इन दोनों ने रजिस्टर मैरिज किया है। क्या कहा? इसने रजिस्टर मैरिज किया है तो इसे अपने घर पे जाना चाहिए। यार इन्होंने रजिस्टर मैरिज किया है, वो लड़की के घर वाले मान नहीं रहे थे और शादी कहीं और करवा रहे थे, तो हमने इनकी शादी करवा दी। ओ ऐसी बात है, तुम ही बताओ हमने जो किया गलत किया? नहीं, नहीं कुछ गलत नहीं किया, एकदम करेक्ट। गायू ये क्या गायू गायू कर रहा है,
पिताजी की इजाजत के बिना कोई भी कुछ भी करे गलत ही होता है। तू बीच में मत आ, समझ गई? मैं बीच में नहीं आऊंगा। क्यों? और नहीं तो क्या, अगर इसने अपने बाप की मर्जी से शादी किया होता ना तो अब तक खुदकुशी करके मर चुकी होती है। खुदकुशी? हाँ यार, मेरी बात सुनो, बाप माँ फ्रेंड्स पंडित रिश्तेदार लोग इनका कोई भी नहीं है, बस भगवान को साक्षी मानकर इन दोनों ने शादी की है, समझे? और उस भगवान के बाद ये दोनों आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आपका मन जितना साफ है उसी तरह इन दोनों की जिंदगी सफल रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। चलो चलो चलो, आशीर्वाद, चलो हाँ चलो, अब अच्छा है। हाँ, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ और पूतो पलो। चलो अच्छा हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, अच्छे से इनका ख्याल रखना। ठीक है गायो, चल नीचे चलते हैं। जाओ। एक मिनट, ये लड़की कौन है, यहाँ क्या कर रही है? मैं चलता हूँ, मुझे इसके बारे में पता चलना चाहिए। यार वो उसकी बहन है। किसकी बहन है ये? अरे वही जो टिफिन लेने गया ना, राकेश उसकी बहन है। राकेश की बहन है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आई? मरने जा रही थी तो बचा कर कहाँ ले आता मैं? मरने जा रही थी? मरने जा नहीं रही थी, मरने वाली है। क्या? इनको ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है? बेचारी 2 या 3 महीनों में भगवान को प्यारी हो जाएगी, नहीं तो हो सकता है 1 सप्ताह या 10 दिन में भी चली जाए। कितने दिन है पता नहीं, क्यों सही कह रहा हूँ ना? तो इसने इतनी महंगी साड़ी और गहने क्यों पहने हैं? बिशु हो गई क्या तू? मतलब ये मरने वाली है ना, तो महंगा पहनकर अपना शौक पूरा कर रही है, बस और कुछ नहीं है। यार मरने वाली बहन की वो शादी तो नहीं करवा सकता है, इस लड़की को देखकर अपनी बहन को शादी के जोड़े में देखने की इच्छा थी उसकी, इसलिए बाहर से ये साड़ी और गहने खरीद कर लाया और इन्हें पहना कर देखा तो खुशी के आंसू लेकर टिफिन लेने चला गया वो बेचारा। आते ही उतार कर रख देगा। हे भगवान, दुनिया में इतनी तकलीफ है। यार को यकीन भाई, वाइन खत्म हो गई थी, सिर्फ बियर ही नहीं लेकर आ गया हूँ, चलेगा ना भाई? राकेश बेटा, तुम्हारी बहन की ऐसी हालत है मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। ये क्या बोल रहा है? ये सब होगा, ये इसे भी पता नहीं था। ऐसी बात है? आ, उसे अंदर जाने दे। नहीं, रुको रुको, देखो बेटा जो हो गया सो हो गया, अब ये जब तक है तब तक इसे खुशी से रखो। जो मरने वाली है उसके लिए क्यों हॉस्टल और पढ़ाई, उसको यहीं पर रहने दो बेटा। हाँ, अरे नहीं पापा, यहाँ पर तो सारे मर्द हैं, इसे मैं अपने रूम में ले जाऊं। हाँ, लेकर जाओ। चलो मेरे साथ। बेटा दिल को कमजोर मत होने देना, भगवान है ना हम लोगों के साथ, हम भी तुम्हारे साथ हैं, जो कुछ भी हो एकदम मुंह खोल कर बोलना। किसकी बात सुनूं, किसको देखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है तुम चिंता मत करो, हम लोग है ना। अच्छा तुम्हारी बहन को ये बीमारी है, तुम्हें कब पता चला? वो मुझे अभी पता। क्या? क्या? अभी आ रहा था तो पता चला मुझे। ब्लड कैंसर की ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर है? ब्लड कैंसर तुम लोगों ने बताया? वो क्या ना यार कि पहले ब्लड कैंसर ही था, वो डेवलप हो करके ना वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और ब्लड ट्यूमर हो गया। और कुछ मत पूछो वरना मैं रो पड़ूंगा। तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, डरो मत। नीचे जाकर देखो, लेडीज लोग तो सो गई हैं ना, मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। मैं तुम लोगों के साथ हॉल में आकर सो जाता हूँ। हम लोगों के साथ वहाँ जगह नहीं है। अबे ये उसका घर है और उसी के लिए जगह नहीं है, अपने से करंट लेकर हमें ही पानी नहीं दे रहा है, ये कुछ ऐसी बात नहीं हो गई यार साहब? अरे वो फर्स्ट नाइट जोड़ी थी वो किधर चली गई? अरे भाई वो तो कब की ड्यूटी पर चली गई। देखा यार वो दोनों कितने होशियार निकले। आप चलिए हम एडजस्ट कर लेंगे। खर्रा तो नहीं मारता ना? नहीं नहीं, सिर्फ पैर मारता हूँ। तुम लोगों का फोड़ भी दिया। अरे अरे जल्दी उठो, जल्दी उठो। अरे गुंडे लोग हथियार लेकर आए हैं, जल्दी करो। लगता है वो लोग उस लड़की को ढूंढने आए हैं। लड़की कहाँ है? वो ऊपर चली गई है। क्या कहा, मर गई? अरे टेरेस पे गई है। तुम लोग जाकर के उनको रोको, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। कहाँ वो? अरे अरे कहाँ है? उनके उनके क्या कर रहे हैं? फिल्मों में जैसे गुंडे आते हैं उसी तरह से इस घर में बहुत सारे गुंडे घुस गए हैं। लगता है जरूर तुम्हारे बाप ने भेजे होंगे। अगर मुझे देख लिया तो मेरे टुकड़े कर देंगे, अब मैं क्या करूं? बोल कहाँ है? आपको पता है क्या? ये घर किसका हमें परवाह नहीं, हमें अपने घर की लड़की चाहिए बस। उसके लिए तुम यहाँ पर आए हो? तुम्हें पता नहीं है इस घर में बॉटल मनी रहता है? उसी बॉटल मनी ने हमें यहाँ पर भेजा है। लड़की इसी घर में, बॉटल मनी ने हमें यही बताया। बॉटल मनी ने बताया? ये क्या कर दिया सामने से? जाकर के छुप जाओ, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। अरे उधर मत जाओ, फंस जाओगी। अरे वहाँ कहाँ जा रही हो? इधर आओ, इधर वहाँ पे टैंक है ना, उसमें छुप जाओ। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। भाई ये लड़की यहाँ पे है, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। देखो ये लड़की। अरे ये नहीं है, चलो यहाँ से, चल जा रहे। उधर देखो, उस तरफ होगी। सामने से हट, नीचे देख, नीचे जाके उस तरफ देखो, उधर होगी। अरे क्या है ये सब? अरे कौन है आप लोग? क्या कर रही है सब? रुक जाइए, देखिए मेरी बात सुनिए। अरे
ए, कौन है रे तू? चुपचाप बता कि लड़की कहाँ पर है। क्यों किसी को प्यार के बदले वफा नहीं मिलती, मिलती वफा। ए, ये तो पागल है रे, चलो यहाँ से। इस टैंक के अंदर से आवाज आ रही है। सर, क्या कर रहे हैं सर? सर, उधर कुछ नहीं है सर। सर सर प्लीज सर। ये बता कि यहाँ पर क्यों छुप रही थी? डर गई थी, इसलिए छुप रही थी। इसी में कूद के मर जा। चलो दरवाजा खोल। दरवाजा क्या कर रहा है तू? अरे कोई खोल नहीं रहा है ना। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। कल रात ही मैंने इनको ऐसा आशीर्वाद दिया था, मगर लंबी उम्र का आशीर्वाद नहीं दिया था मैंने, इसलिए ये सब। अरे पापी, अब कलेजे में ठंडक पड़ गई। कितनी बार कहा उसकी शादी करवा दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो ये क्या हो गया। तू भाई है या कसाई है? अपनी बहन की ही जान ले ली। वो हमेशा कहती थी जिएगी तो उसी के साथ जिएगी। अब देख कैसे खुशी खुशी चली गई है वो। अब खुश है ना तू? मेरी बेटी को मार डाला तूने। हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, फिर भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे, और तुम आज के जमाने के होकर भी इन्हें ऐसे लटकने के लिए मजबूर कर दिया। भाई साहब, मेरी बेटी और दामाद को, दोनों को एक साथ नीचे उतारिए, उतारिए इन्हें, उतारिए। अरे बाप रे, सच में लाश की तरह भारी। मैंने कहा था ना, बोतल होनी बहुत दिमाग वाला है। मुझे माफ कर दीजिए भैया। अबे तो ऐसे क्या खड़ा है? इसके माँ बाप ने तुझे दामाद तो मान लिया है ना। जा, जाके आशीर्वाद ले ले उनका, जा। माँ, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। माँ, क्या है? ऐसे ही, ऐसे ही, ये सब मजाक था। हेलो प्रिया, एक जरूरी बात है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस घर से बाहर मत निकलना। तुम्हारे बाप के आदमी या पुलिस वाले ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, समझे? जिस तरह वो प्लान करके उन दोनों को मिला है, वैसे ही वो प्लान से तुम दोनों को नहीं मिला सकते, क्या समझे? बी केयरफुल। इस पौधे को पालने से अच्छा है भांग के पौधे को पालती, कम से कम उसे बेचकर पैसे तो मिलते। हाँ, लुक तो ऐसे दे रही जैसे सीता की कजिन सिस्टर हो। कॉलेज आ रही हूँ पापा। टिफिन बॉक्स ले लिया? हाँ, ले लिया। मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे क्या? 40 रुपए होंगे, चलेगा क्या? आप भी उस ऑटो वाले की तरह बिहेव कर रहे हो। अच्छी तरह पकड़ के बैठना। गायत्री, गायत्री, बस में नहीं जा सकती क्या? अंकल, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? सीने में दवाई नहीं है, कोई दवाई ला कर दे। घर पे कोई नहीं है, सब बाहर चले गए। पहले आप पानी पीजिए। डरिए मत, ये दवा है, मैं लेकर आती हूँ। बेटी, तो तुम्हें ए, तुम्हें अकल नहीं है क्या? घर से निकलने को मना किया था ना? अंकल की दवाई लेने पहले बैठो, बाद में बात करते हैं। नो 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 नो, नहीं होगा, नहीं होगा।
अय्यर साहब आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं हुआ है। मेरे आंसू निकल रहे क्यों हैं? बहुत जोर से दबा रहा है क्या? ऐसे पैर ही दबाना। मेरे बहुत रिश्तेदार हैं, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। उसी को रिश्तेदार कहते हैं आप सब लोग। आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? हम नहीं होते तो मेरे पापा। ए छी, ऐसे रो मत, अपने आंसू पोंछ लो। अय्यर साहब मैं जिंदा हूँ। हाँ। इस लड़की ने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई है और तू इसे थैंक्स बोलने के बजाय उसे थैंक्स बोल रही है। इन्होंने गाड़ी इतनी तेज चलाई तभी तो ये आ गई। ये भागते हुए भी जाती तो भी आपको बचा नहीं पाती। मैं तुम्हें नहीं सुधार सकता। ऑटो वाले मेरी एक मदद करोगे? गायत्री के लिए लड़का ढूंढो क्या? अरे सब लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो? घर खाली करवाने के लिए कहा था, वो तो नहीं हुआ, लेकिन पैसों का क्या हुआ? अय्यर साहब आज आप जिंदा हो ना तो उसकी वजह हम ही है। वो कैसे? अगर रमेश की बहन होती तो आपको दावा मिलता क्या? अगर बॉटल मनी नहीं होता तो आपको सही वक्त पर मिलता क्या? कब के निकल लिए होते? एक मिनट रमेश। हाँ? लेकिन मुझे अभी याद आ रहा है किसी ने इसे राकेश की बहन कहा था। तुम लोग ऐसे बोल कर रखते हो। अबे तू कहना क्या चाहता है? हाँ। रमेश की बहन वो सबकी बहन है। हाँ। तुम्हारा क्या कहना है? मुझे बहन बहन पसंद नहीं आई। अरे तो सबने प्रिया को जैसे बहन मान लिया उसी तरह मेरी बेटी को बहन क्यों नहीं मान लेते प्लीज? क्या पापा? क्या कहा? पापा? और नहीं तो क्या, वो बहन बन जाएगी तो तुम मेरे बाप बन जाओगे और फिर इस जायदाद में मैं अपना हिस्सा मांगूंगा और मुझे ऑलरेडी ऊपर का पोर्शन पसंद आ चुका है। क्या मुझे फिर से दरवाजा मिलेगा? मुझे नहीं चलेगा। कहाँ फेंक रहा है? क्या यार बार बार लेफ्ट साइड में ही हॉर्न बजा रहे हो, ऐसी कौन सी बीमारी है तुम्हें? मई महीने में 15 तारीख को शुरू हुई थी। 15 मई उस दिन तुम्हारी बीबी छोड़कर भाग गई थी क्या? तो फिर रिटायर्ड हो गए थे क्या? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बॉटल मनी को तू उसी दिन इस घर में लेकर आया था। अरे बाप रे, क्या ये? वो ऐसे ही ऐसे ही। मैं किसी को नहीं मिलूंगा, मुझे किसी से भी नहीं मिलना है। क्यों दवा जी? दिल्ली पार्लियामेंट मुझे नहीं रोकती और आप मुझे अपने घर के अंदर आने से रोक रहे हैं? सिर्फ पार्लियामेंट में भाषण दीजिए और घर का क्या, छोड़ दीजिए। उसी मामले में बात करने आए दमा जी। क्या दामाद दामाद करके बात कर रहे हो, मुद्दे की बात करो। सुना है मेरे मर्डर केस को फिर से ओपन करने वाले हो, विटनेस को टॉर्चर करके पूछताछ कर रहे हो। यही तो मैं सोच रहा था, ये चोर और पुलिस रिश्तेदार कैसे बन गए? फिर क्या, तुम्हारी बेटी से शादी करता तो ऐसा लगता मेरी पसंद की लड़की से शादी हुई है। ऐसा हुआ नहीं, मुझे अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा ना। जो हुआ उसे भूल जाओ, आपने शादी की है उसे अपना लो ना। मैं किसी का जूठा नहीं खाता, मुझे अपने जैसा मत समझो। किसकी बात कर रहे हो तुम? उधर जो खड़े है ना उनकी बेटी, कोई उठा कर नहीं ले गया, खुद भागी है किसी के साथ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो इसमें से फूल तोड़ रहे थे। पर पौधों में फूल कहाँ है? इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं साहब। ये पुलिस वाले का घर है, अंदर हो जाओगे। तुम जो बोल रहे हो अगर वो सच हुआ तो मैं अपनी बेटी को खुद जान से मार दूंगा, वो किसी और के साथ नहीं देखो, रह सकती। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है लड़की के बदले तय किया गया पैसा। अगर मुझे नहीं मिला तो चैन से जीने नहीं दूंगा। निर्दम है तो लेकर जा, लेकर दिखाऊंगा। इज्जत से बात करो। कैसी इज्जत है? तुम मुझे बताएगा किसे इज्जत देना है? एक एक को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाओ दामाद जी, तुम्हारे पास उम्र है तो मेरे पास तजुर्बा। ये बहुत पुराना डायलॉग है समझा? ओल्ड ही गोल्ड होता है, ये मैं तुझे दिखाता हूँ। सर आप क्या करने की सोच रहे हैं? इनका केस रीओपन करेंगे क्या? बाप के केस को पकड़कर मैं अपना गुस्सा पूरा करूंगा और लड़की को पकड़कर अपनी इच्छा पूरी करूंगा। जा ढूंढ उसे। यस सर। ओम श्री ज्ञानी नाम पिचेता श्री देवी भगवती बालादे कृष्ण मुहाया। जूस किसके लिए पता है? किसके लिए? इधर ला, वो लड़की बीमार है उसको देने के लिए कहा था, तुम ये मणि मणि लगा कर रखी हुई है, जाओ उसको दे। महा माया प्रेक्षिति दुर्गेश पिता हर्ष भीति महेश जंतु ज्ञानी नाम पीछे तांशी देवी भगवती ही शाद बालाद कृष्ण। अरे तुझमें दिमाग नहीं है क्या? मैंने कहा था ना थोड़े दिन शांत रहे, तू एक हफ्ता वेट नहीं कर सकती क्या? मरने की इतनी जल्दी क्या पड़ी है तुझे? वहां उनका गुस्सा कम होना चाहिए ना, इसलिए तो मैं और वो ऑटो वाला चक्कर काट रहे हैं, हर बात के लिए सुसाइड करने जा रही है। ए, कौन कर रहा था सुसाइड? मेरी सास। तू कब? अभी फांसी लगाकर लटकने वाली थी। घर में कपड़े सुखाने की जगह नहीं है इसलिए रस्सी बांध रही थी। अरे वापस मैंने गड़बड़ कर दी है, सॉरी, मुझे लगा कि वापस सुसाइड करने जा रही हो इसलिए। अगर मैं सुसाइड कर भी रही थी तो हाथ पकड़ कर खींचना था ना, गले क्यों लगाया मुझे? बाहों में भर के गोल गोल घुमा कर यहाँ टच किया वहाँ टच किया, कभी ऐसे घुमाया कभी वैसे घुमाया। मैंने कहीं टच नहीं किया। कहाँ टच किया तुमने, मुझे अच्छे से पता है।
उस दिन बीच पर भी तुमने ऐसा ही किया था। तुम्हारे दिल में कुछ तो चल रहा है, पूरा डाउट है मुझे। कैसा डाउट है? तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे पाना चाहते हो, इसलिए किडनैप किया है ना? अरे अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आगे क्या होगा? वो जरा यहाँ देखो, तुम मेरे लवर नहीं दुश्मन हो, ये बात याद रखना। I have called you all for the purpose of Hi, Hindi. आप सबको इसलिए बुलाया है, एक बहुत जरूरी बात है। क्या जरूरी बात है? गायत्री किसी से प्यार करती है? तू चुप रह, मणि सर प्यार करते हैं। गायत्री से? हे तेरा खून कर दूंगा, मणि सर प्रिया से प्यार करते हैं। हाय, तूने मुझे क्यों नहीं बताया रे? अबे तू चुप रह। नहीं करते हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हाँ कह रहे हो? अरे मैं नहीं कह रहा हूँ यार, अभी थोड़ी देर पहले माले पर एक दूसरे को लपेट कर गोल गोल नहीं घूम रहे थे? नहीं नहीं, ऐसे अलग अलग जवाब मत दो, एक साथ जवाब दो। तो फिर इससे क्या पता चलता है? आटा अच्छा पीसते हो। दोनों जन को दिखता नहीं है क्या? प्यार है, मैं दोनों की शादी करवाने वाला हूँ, तभी तो मेरी बेटी की जिंदगी खुशहाल रहेगी। क्या कंफ्यूज कर रहे हो? प्रिया भी मेरी बेटी जैसी है ना, वही कह रहा था। ऐसा है क्या? हे भगवान, अच्छा हुआ तूने इस गुंडे से मेरी बेटी को बचा लिया। कुछ तो माइंड वॉइस आ रही है, गैस वॉइस आ रही है। सर आप वीरमणि है, शूरमणि है, सिर्फ उतना ही नहीं आप प्यार मणि भी। तू छोड़ बेटी, अभी ये हाथ वो पकड़ेगी, तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा, तभी तो मेरी बेटी की जिंदगी खुशहाल रहेगी। मैंने प्रिया को बोला। मणि सर ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस। क्या मणि, सब लोग प्यार करने के बाद उठा कर लाते हैं, लेकिन तू उठा कर लाने के बाद प्यार कर रहा है। मेरा कमीशन मुझे मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसका डॉन बॉब तुम्हें काट के रख देगा, ये बात याद रखना। बॉडी बाद में आकर कलेक्ट कर लूंगा मैं। देखा, एक फ्रॉड के पास वो लड़की फंसी है। सर पुलिस वाले की मदद की तो पुलिस वाले ही मार रहे हैं। मैं ही हूँ इवन पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर। वो तो बहुत स्मार्ट था। क्या? नहीं नहीं सर, उसने कहा था कि वो नया इंस्पेक्टर। किसने है? बोला तुझे कि नया इंस्पेक्टर आया वहाँ पर? चार साल से मैं इंस्पेक्टर हूँ। सर उसने मुझे बेवकूफ बना दिया सर। कुछ भी बोलता रहता है। सर आपको थोड़ी भी अकल नहीं है, मेरी स्टाफ के सामने मुझे मार रहे हो? मेरी कोई प्रेस्टीज है? प्रेस्टीज? ये ले। सर मैं और नहीं बात कर सकता। गाड़ी दिए हुए एक हफ्ते हो गए, कंप्लेन क्यों नहीं किया तूने? बोल बोल। अरे सर सर सर, सर वो लोग बराबर आके भाड़ा दे रहे हैं सर, अभी दो दिन पहले ही आके दिया था, अब फिर मंडे को आने वाले हैं, मैं उनसे बात करके यहाँ बैठा के रखूंगा, आप लोग उसे आके पकड़ लेना सर। हम लोग उसको पकड़ लेंगे। मैं एसीपी बोल रहा हूँ, उस आदमी को अभी छोड़ दो, लेकिन उस पर नजर रखो। यस सर। मुझसे छिप के आप लोग मेरे पर नजर रखने वाले हो? आप लोग एक नंबर के कॉमेडियन। चलो ये सीरियस केस है, होशियार रहना। चलो मैं तो लूंगी उठा के और डांस कर रखे ऐसे बच। सुमति पिक्चर देखने चले क्या? नहीं। तो बीच चलोगी? नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? पापा को पता चला तो मुझे मार डालेंगे। अरे तू इतना डरती क्यों है? सुन ना, सुन। सर क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं सर, बुक पढ़ रहा था मैं। बुक पढ़ रहे हो या लाइन मार रहे हो? सच कहो क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है सर। अरे सर इस उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अबे सर तू भी मुझे अपने साथ फंसाना चाहता है क्या? ऐसी क्या बात है सर, आप भी तो प्रिया से प्यार करते हैं ना। अबे वो अय्यर बुड्ढा कुछ भी बोलेगा तो वो सब सच हो जाएगा क्या? तो क्या प्रिया से प्यार नहीं करते? उस लड़की से प्यार करने की मेरी क्या औकात है यार। क्या मणि सर, आपने उस लड़की की जान बचाई है, प्यार के लिए इतना ही बहुत है सर। ऐसा क्या? तू जा रहे, तू जाके कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर, उसके बाद प्यार करेंगे क्या? फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, कोई जिम्मेदारी आ जाएगी। चल जा। अरे जा यार। सुब्रमणी। कौन है? तुझे मेरा नाम कैसे पता चला? तुम्हारा नाम सुब्रमणी है, तुमने बीकॉम किया है, माँ बाप नहीं है, बहन के घर पे रह रहे थे, बहन की बेटी को प्यार में मदद करने की वजह से घर से निकाल दिए गए और अभी गुंडे की एक्टिंग का कोर्स कर रहे हो। सही कहा ना?
ये सारी बातें तो सिर्फ ऑटो वाले को पता थी और वो तुम्हें तो बता नहीं सकते। मीटर से ज्यादा देंगे तो मैटर अपने आप आ जाता है। तो तुम इधर हो, तुमने चेन गिरवी रखने के लिए बोला था ना, वो सिर्फ 28 कैरेट का था इसलिए सिर्फ इतना ही दिया, रख लो। अरे रहने दो, इसका कमीशन मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है भाई। ये मीटर से ज्यादा है। मीटर से ज्यादा सारा मैटर मैंने बता दिया। हाँ, वो हम दोनों जब एक साथ बचपन में फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब टीचर ने परमिशन नहीं दिया, उसे बहुत अर्जेंसी थी, तो पता है उसने क्या किया, उसने घबराहट के मारे चड्डी में ही कर दिया। टीचर ने विश्वास नहीं किया तो अपना पैंट खोल करके दिखा दिया, और वैसे भी उस उम्र में हम चड्डी नहीं पहनते है ना। टीचर ने सब देख लिया, उस दिन से उसे सुब्रमण्य नहीं बुलाते हैं, सिर्फ मनी मनी मनी। किसको क्या बताना चाहिए, तुझे अकल नहीं है क्या भाई? मार क्यों रहा है इस लड़की को? तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता है, तुम दोनों पक्का एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हो, तुम गुंडे नहीं हो, ये बात इसे पहले से ही पता है। तुझे हाफ पैंट में देखकर मुझे किस्सा याद आ गया, मैंने सब कुछ बता दिया, तो अब बताओ इसमें मेरी कौन सी गलती है? एक्सक्यूज मी, सबके सामने मुझे सुब्रमणी करके मत बुलाना। हाँ, वो बॉटल मनी मेंटेन करना होगा, तभी हमारा शो हिट रहेगा। हाँ, वरना हम लोग रोड पे आ जाएंगे, फिर हम लोगों को भी खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, मेरी माँ याद रखना। अच्छा सुनो, मुझसे जरा संभल के रहना, बी केयरफुल। अच्छा सुनो, उस मनी मैटर को तुम कभी भी बाहर आप जिस लड़की से प्यार करते हैं वो 100 साल जी ऐसी प्रार्थना करके आई हूँ, लीजिए प्रसाद। अरे प्रिया आओ, तुम भी प्रसाद ले लो, इसे भी टीका लगा दीजिए ना। नहीं नहीं, तू ही लगा दे। देखिए, अगर आप इससे सच्चा प्यार करते हैं तो आपको लगाना ही होगा। हाँ। ये देख गायू, तू जैसा सोच रही है वैसा। सुब्रमणी, मैं लगाता हूँ ना। अरे ये सुब्रमणी नहीं, बॉटल मनी है। मैं तो भगवान को याद कर रही थी। ओह, आप लीजिए और लगाइए इन्हें। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने ऐसा क्यों किया यही सोच रहे हो ना? सबको नाटक के बारे में पता चल जाता ना सुब्रमणी, फिर तुम फंस जाते ना। मणि सर, मणि सर, क्या अब तक अंदर क्या कर रहे हैं, तैयार नहीं हुए क्या? किधर? हॉस्पिटल जाने के लिए। वापस सीने में दर्द शुरू हो गया क्या? अरे भाई दर्द वर्द कुछ नहीं है, तुम दोनों की कुंडली मैच हो रही है, वो देखनी है या नहीं? हॉस्पिटल में कुंडली? हाँ तो फिर क्या करें, दोनों डिफरेंट केस है, तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन ठीक होगा कि नहीं मेरी पहचान के डॉक्टर से पूछना है। तुम दोनों को तैयार रहने के लिए कहा था, प्रिया ने बताया नहीं क्या? नहीं नहीं, उधर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ना हो इसलिए तो पूछने जा रहे हैं, तुम चलोगे या नहीं, या प्रिया को लेकर जाऊं? मैं नहीं आ रहा हूं। सुब्रमणी, कौन ही है? भगवान को याद कर रही थी। एक भगवान ही तो है जो हाँ। समस्या को हल कर सकते हैं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। ठीक है ठीक है, चलो हम लेट हो रहे हैं। कैसे, किधर? अंकल काफी जगह है, आप कंफर्टेबल रहिए ना। मैं कंफर्टेबल हूँ बेटी। हाँ, ये तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ये जानबूझ के गिर रही है या सच में टर्निंग की वजह से गिर रही है? सॉरी सॉरी, वो टर्निंग में बैलेंस मिस हो गया तो। बहुत फेमस डॉक्टर है, किसी को भी इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। क्यों? इनके पास इंजेक्शन ही नहीं है। लगता है बहुत बड़ा भिखारी डॉक्टर। नहीं नहीं, वो दवाई से ही ठीक कर देते हैं। आइए। क्या हुआ? अगर डॉक्टर के पास गई तो पता चल जाएगा कि मुझे ब्लड कैंसर नहीं है। वो सब मैनेज कर लेंगे, तुम चलो। सुब्रमणी, अरे क्या हुआ, यहाँ खड़े हुए, अंदर आओ। अरे राकेश ने एक ही डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा है। यहाँ अंदर भी सिर्फ एक ही डॉक्टर है। पहले डॉक्टर को दिखाया था ना, उसी डॉक्टर को दिखाना है। अलग अलग डॉक्टर को दिखाएंगे तो जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कोई जान को खतरा नहीं होगा, अच्छा डॉक्टर। मिस्टर नटराज, मेरी बात तो ये सब बातें वहाँ पे बतानी चाहिए थी ना। नट, वो क्यों, किस लिए? मैं देख लूंगा, इसके लिए आप मुझे नटवट बुला रहे हैं। अच्छा ये क्या है नट? लगभग सुब्रमणी की तरह। हम्म।
हाय प्रिया, हाउ आर यू? सुशी, कैसी हो तुम? आई एम फाइन, यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, इसके पापा को कैंसर है। इसके पापा अभी डॉक्टर से मिलने के लिए गए हैं, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। ये कौन है? मैं वो। मेरे हस्बैंड हैं। ओह हाय, आई एम शशि। मणि मणि। सुब्रमणि। ये ऐसे गुंडे की तरह क्यों लगता है? कपड़े वैसे पहने हैं। वेरी नाइस जेंटलमैन। मैं इन्हें बहुत चाहती हूँ। सॉरी यार, तेरी शादी में नहीं आ पाई। कल मैं लंच पर आऊँ क्या? आ जाओ। पुराना घर पता है, अब कहाँ रहती है तू? ट्रिप्लिकेन। ट्रिप्लिकेन में कहाँ? तुम लोग यहाँ पर हो? डॉक्टर मेरा क्लोज फ्रेंड है तो पुरानी बातें शुरू हो गई थी। सॉरी सर। सॉरी क्यों कह रही हो? ब्लड कैंसर है ना? सिर्फ ब्लड कैंसर है, दाम्पत्य जीवन में लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, अच्छा दाम्पत्य जीवन रहेगा। दवा की दुकान से दवा लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं पर रहना। सर आपके पापा ग्रेट है सर, कैंसर होने के बाद भी इतने खुश हैं, लेकिन उनकी बातें मुझे कुछ अजीब सी लगी। हाँ बेटी शशि। ए मेरे पापा बुला रहे हैं, कल लंच पर मिलते हैं। ओके बाय। अरे तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? क्यों? कल अगर वो घर पे आएगी तो हम फंस नहीं जाएंगे। मैंने एड्रेस कहाँ बताया? ओ ये बात तो है। क्या हुआ बेटी? तुम रो क्यों रही हो? हाँ ब्लड कैंसर याद आ गया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। यार मैं खुद इसको शांत कर लूंगा। बच्ची रो रही है, मुझे ही शांत करना पड़ेगा इसे। हाँ ठीक है ठीक है, तुम ही इसे शांत कर लो। कौन है वो? मेरे पापा। उनको आज नहीं तो कल पता तो चलना ही है ना, तो तुम डर क्यों रही हो? मैं अपने लिए नहीं डर रही हूँ, तुम्हारे लिए डर रही हूँ। तुम्हारा कच्चुम्बर बनाकर रख देंगे। तुम्हारे बाप को गए काफी टाइम हो गया। फिर क्यों मुझे इस तरह पकड़ कर रखा है? मैंने? अच्छा था ना? तुमने मुझे पहली बार। सुब्रमणि, तुम्हारे हॉस्पिटल में लड़की को भर्ती किया गया, अब तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता? कसम से पता नहीं सर, वो भाग गया था। ए, वो इधर ही आया था, तूने ट्रीटमेंट किया था, अब बोलता है हम झूठ बोल रहे हैं। अरे बाप रे सर, इस एरिया में मैं एक नामचीन डॉक्टर हूँ सर, नहीं साधारण डॉक्टर हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। ठीक है, उस लड़की को या जिसने उसको एडमिट करवाया था अगर वो तुझे दिखे तो इस एड्रेस पे फोन करना, और नहीं मिला तो ये हॉस्पिटल नहीं रहेगा। अंकल शशिकला बोल रही हूँ, आपकी डॉटर प्रिया की फ्रेंड। मेरी बेटी घर पे नहीं है, बाहर गई है। क्या बात है बोलो? बाहर गई है? क्यों झूठ बोल रहे हैं अंकल, वो अपने ससुराल गई है, बोलिए ना। ससुराल? आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? दामाद फिट है, ससुर को ब्लड कैंसर है ना, दामाद तो एकदम टॉल एंड हैंडसम है अंकल। तू कहना क्या चाहती है? अंकल आपकी डॉटर को नर्सिंग होम में देखा था। कितने बजे? 11 बजे अंकल। आज तो वो अपने हाथों से निकल गई, जाके उस डॉक्टर को उठा के ले आओ। हेलो। कुछ नहीं अंकल, कल उसके घर लंच के लिए जाने वाली हूँ, लेकिन मैं एड्रेस भूल गई हूँ, उसने सिर्फ ट्रिप्लिकेन कहा था। लेकिन शाह कैसे पिताजी हैं प्रिया के? वो ट्रिप्लिकेन एरिया में है, जाओ ढूंढो, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। वहाँ के लोकल गुंडों को लड़की की फोटो दिखाओ, उन लोगों को बोलो कि वो ढूंढे, अगर वो मिली तो उसके साथ जो भी ससुर देवर जीजा साला उन सबको काट कर सिर्फ मेरी बेटी को लेके आना, उसको मैं अपने हाथों से काटूंगा। तुम्हारा बाप और वो एसीपी दोनों का गुस्सा कम होने जैसा लग तो नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा गुस्सा कम हो गया है। हाँ वही तो। प्रिया सिर्फ यही नहीं, वो एसीपी मुझे सही इंसान नहीं लग रहा। सो वही, तुम दूसरी जगह शादी कर लो। अरे मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि ठीक है, मैं किसी और से शादी कर लूंगी तो मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? हाँ मैं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? तो क्या करोगे? नहीं मैं कहना चाहता था कि तुम खुद ही किसी से प्यार करके शादी कर लोगी तो ये कोर्ट पुलिस तुम्हें कुछ नहीं करेगी, और बची गुंडों की बात तो मैं देख लूंगा। यानी तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ जरूर, मैंने जो गलती की है उसकी तो सजा यही है। ठीक है, लेकिन मुझसे शादी करेगा कौन? वो मैं सोच रहा था, ऐसा मान लो बहुत प्रॉब्लम है ना। ओके, शादी के मंडप से भागने वाली, सॉरी उसे कोई उठा कर ले गया था, उसे कौन शादी करेगा?
तुम खुद किसी से प्यार करके शादी कर सकती हो ना। भागने वाली लड़की को इस तरह से अपनाएगा कौन? क्यों नहीं अपनाएगा, ठीक है मत अपनाने दो उसे, तुमसे जो प्यार करता है उससे शादी कर लो। ठीक है कर लेती हूँ, पर उसे ढूंढू कहाँ? इधर ही पास में, मतलब कहीं भी आसपास ढूंढ लो। वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, उसे अपनी जान से ज्यादा मेरी परवाह होनी चाहिए। हाँ। सच कहूँ तो हाँ। तुम जैसा होना चाहिए। मेरे जैसा? अगर कोई ऐसा है तो बताओ, मैं कल ही उससे शादी कर लूंगी। लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, झगड़ा कौन करेगा? बापरे, ये भी ना हाथी का पैर डालता रहता है। क्या मणि सर, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं यार, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, पिछले हफ्ते मुझे भी कंफ्यूजन में नींद नहीं आ रही थी, कल से ही मैंने सोना शुरू किया है। बाथरूम जाकर आता हूँ, शुगर है ना इसलिए बार बार जाना पड़ता है। क्या कही हो, इस वक्त इधर क्या कर रही हो? प्रिया ने कुछ बताया क्या? शह, वो तो बिल्कुल चैन से सो रही है, मुझे ही नींद नहीं आती है। क्यों? आपके बारे में सोचते हुए। किस लिए? वो थोड़े ही दिन जिएगी ना, और उसके बाद क्या, अब विडो हो जाएंगे। सर अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, बहुत ट्रेजेडी है बाबा। ठीक है, मेरे बारे में बार बार सोचकर अपनी नींद मत खराब करो, जाओ जाके सो जाओ। नहीं, उसके बाद आप दूसरी शादी करेंगे ऐसा वादा कीजिए, तभी जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, खुश। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या यार, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं, पिछले हफ्ते की प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई। अभी तुम्हें नींद नहीं आएगी ना, सो जाओ। अरे ये भी ना, आज वो यहाँ भाड़ा देने आएगा, उसे पकड़ लेंगे सर। क्या हो गया? गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप प्लीज रिपेयर कर देंगे? उसके लिए टाइम नहीं है सर, मेरे साथ मेरी फैमिली है, प्लीज रिपेयर कर दीजिए ना। आधा घंटा? नहीं नहीं, दो घंटा। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है फिर छोड़ दो। सर okay. फोन है। हेलो, मैं E1 इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। सर क्या बात है सर, सब लोग अंदर जा रहे हैं। What happened? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ सर। नंबर मिल गया सर, 4425955918 सर। हेलो कंट्रोल रूम, मैं ACP राघवन बोल रहा हूँ, जरा ये नंबर नोट कर लो, 2595-5918। ये नंबर किस एरिया का है पता करो और मुझे फोन करो इमीडिएटली। 11:30 बज गए, आप नहीं आए इसलिए आपको ढूंढ रहे हैं, आपके लिए वेटिंग है सर। हे, अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, बैग में भाड़े का पैसा रखकर तेरी गाड़ी तेरी दुकान में पहुंचाकर आधा घंटा हो गया है, जो गाड़ी आई है उसको चेक करके देख। AC 799, ये तो अपनी गाड़ी है, चाहे जो अपनी गाड़ी तो अपने पास आ गई ना, बोला था भाड़ा भी रखा है, देखो जरा। सर काली माता के मंदिर के पीछे सेकंड क्रॉस स्ट्रीट के टेलीफोन बूथ का नंबर है। ओके थैंक यू। हेलो, त्रिवतूर पुलिस स्टेशन है क्या? बोलिए सर। ओके सर, ओके सर, ओ कांस्टेबल गाड़ी निकालो, त्रिवतूर चलो। आप बहुत स्मार्ट है सर, आपको देख के ओरिजिनल पुलिस वाला लगा, मैंने खुद यकीन कर लिया। अगर तुमने मुझ पर यकीन किया तो तुम बेवकूफ हो, उसी तरह मैं तुमसे बात करता रहूं और आने वाली पुलिस मुझे पकड़ ले तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। रख दूं क्या? अरे आज तो फंस गया तू। मेरे हॉस्पिटल में तू नहीं फंसा लेकिन मेरे एरिया में फंस गया। तू पहले डॉक्टर की तरह बात कर, क्या चाहिए? वो लड़की की तरह, वो लड़की तुझे क्यों चाहिए? देख, उस लड़की की वजह से मैं बहुत मार खा चुका हूँ, तूने देखा होगा हॉस्पिटल में अलग अलग ग्रुप के ब्लड लेकर जाते हुए लोगों को, लेकिन अलग अलग ग्रुप में आकर मेरा ब्लड लेकर जा रहे हैं, उसकी वजह ये लड़की है। तुझे बस वो लड़की ही चाहिए ना? हाँ, वो लड़की। हाँ, तो मैं बंदोबस्त करवा था। आ गया ना रास्ते पर, आ जा, चल चल गाड़ी में बैठ जा। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठकर ड्राइविंग करूंगा, तो जब सिग्नल आएगा तू भाग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तू ड्राइविंग कर, मैं बगल में बैठकर नजर रखूंगा। Come on, search, search, fast! Quick, quick, quick! डॉक्टर आप इधर क्या कर रहे हैं? दादी की लड़की को हॉस्पिटल में जाके देखो। Come on, move, move, move! Come on, search, search! किसी को मत छोड़ना। यहाँ बूथ पे कोई लड़का फोन में बात कर रहा था क्या? इतनी देर से जो लड़का यहाँ बात कर रहा था उसे कमिश्नर साहब ने जाने दिया। मैंने तो सिर्फ डॉक्टर को जाने दिया। उस गाड़ी में वो लड़का भी तो था। Oh no!
Come on, chase that car. Come on. Yes, sir. क्यों भाई बड़े घर की बेटी को भगा कर लाए हो? प्यार का मामला है। हाँ बोलूंगा तो तू क्या करेगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। वो लोग आकर तेरी बैंड बजा देंगे। लड़की को कहाँ रखा है? ए, तुझे तेरी फीस चाहिए ना? कितनी है बोल, मैं उस लड़की से लेकर देता हूँ। कितना, 200 या 300? मैं कोई नकली डॉक्टर दिखता हूँ। बिल हुए 7,500। ए डॉक्टर, बेहोश लड़की को होश में लाने के लिए 7,500 रुपया बोल रहा है, ये तुझे ठीक लगता है क्या? बेहोश लड़की? जहर पी हुई लड़की को एडमिट किया था और बेहोशी का नाटक कर रहा है। जहर? तू रहने दे, दिमाग मत लगा, गाड़ी सीधी चला। ओके ओके। सर डॉक्टर रमनी बोल रहा हूँ, लड़का मिल गया है, लड़की भी मिल जाएगी, अभी कहाँ हूँ पता है? हाँ, फिर से भाग गया। ए रमनी, तू फिर से फंस गया। अरे हाथ में छाता लेकर इतना क्यों मार रही है? मेरी बात सुन, मीटर से ज्यादा दोगी तो भी जो मुझे पता नहीं है कैसे बता सकता हूँ मैं? सुब्रमण्य ने किस किस को पिकअप किया, किस किस को ड्रॉप किया, नीचे वाली गायत्री को लाइन दे रहा है कि नहीं, ये बात मुझे कैसे पता चलेगी भाई? तू उसके बारे में इतना कुछ पूछ रही है, तू उसे शादी करने वाली है क्या? बोल, अगर तू मुझे इस तरह से टॉर्चर करेगी ना तो मैं यहाँ से कूद करके अपनी जान दे दूंगा। मेरी किडनैपिंग में तुम्हारा भी पूरा हाथ था। अब क्या होगा? पुलिस को बता दूंगी तो पैसा लेकर छोड़ देगा। हड्डी पसली एक करके रख देंगे, तुम्हारी छोड़ेंगे नहीं। शराफत से बता। देख तू शराफत से पूछ या मुझे गाली देकर के पूछ, जो मुझे पता नहीं है वो मैं कैसे बता सकता हूँ मेरी माँ? ओके, आज के बाद मैं इस घर में नहीं रह सकता। थैंक यू थैंक यू। एक स्टार होटल में रूम बुक करो, तब समझ में आएगा तुम लोगों को। स्टार होटल? अरे वो लोग तो बिना नकाब के लुटे रहे हैं। अरे मेरी माँ, इस घर में तुम्हें क्या कमी है? नाइट होते ही अगर तू नाइटी पहनकर ऊपर चटाई बिछाकर सोएगी ना तो सारे के सारे स्टार सीन से देखेंगे, तुम्हें किसी भी सुपर स्टार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ए भगवान, मैं इसके बारे में क्या क्या बक रहा हूँ, ये सुपर स्टार तो मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया और ऊपर से इतनी लापरवाही से बात कर रहा है। अपनी चोंच बंद करो, पीछे देखो कौन खड़ा है। क्यों मनी, बहुत गुस्से में लग रहे हो यार? क्या है यार, व्हाट? सुब्रमणि, हम लोग तुम्हें किडनैप करके नहीं लाए हैं बल्कि तुम्हें बचाया है। ये क्या कह रहे हो यार? शादी के दिन इसने जहर पिया था और अनजाने में हम लोग इसे उठा कर लाए थे। ए इधर देख, एक बार जान कर दूसरी बार अनजाने में हमने तुझे बचाया, उसके लिए शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। और तू क्या बार बार हमें हुक्म देती है, टॉर्चर कर रही है? हाँ, तेरी वजह से कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी हो रही है। तेरी जान को कितना खतरा है, हमारी जान को भी कितना खतरा हो रहा है। एक बड़े घर की बेटी की जिंदगी हमने खराब की, इसलिए हमें दुख हो रहा था, इसलिए तेरी हर बात मान रहे थे। ए, 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 बताना क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने? जहर क्यों पिया ये मैं तुझसे नहीं पूछ रहा हूँ। हमें इस तरह टॉर्चर करने की क्या वजह थी? चल बोल बोल। प्रिया, हनीमून के लिए फॉरेन क्या? अरे नमस्ते। हाउ आर यू? डेकोरेशन अच्छा है ना? अच्छा, मेरा दिया हुआ पहला गिफ्ट कहाँ है? अब ये गिफ्ट तू क्या? मुझे देखो। ए झूठ मत बोल। देख तू झूठ मत। अरे चिल्ला क्यों रही हो? मैं जो मंत्र पढ़ रहा हूँ इसे सुनाई भी नहीं दे रहा, जरा शांत हो जाओ ना, थोड़ा दूर जाकर बैठो। ओम गम गणपताय नमः, ओम विश्व देवे नमः। मैं जो कुछ भी बोलूंगा हराने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनते रहना। ओम केशवाय नमः, ओम मंगलाय नमः। बेटी, शादी के लिए तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? ओम ब्रह्म देवाय नमः। देखो, इसी लड़के की 2 साल पहले मैंने गुंटूर गाँव में शादी करवाई थी, ये वही लड़का है, मुझे अच्छे से याद है बेटी। शादी के बाद इस लड़के ने उस लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी थी। ये बहुत बड़ा पापी है, क्योंकि ये पुलिस वाला है, इसीलिए आज तक बचता रहा। उस लड़की के माता पिता का चेहरा आज तक मेरे सामने घूमता ही रहता है बेटी। ओम श्री पंचभूताय नमः, ओम श्री लक्ष्मीनाय नमः। क्या ये तुम्हारे पिताजी को पता नहीं है? हाँ, वो एक खूनी है, तो उससे क्या हुआ? अबे खूनी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं? बेटी, कुछ दिनों पहले अचानक मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसमें 18 लोग मारे गए थे। वो एक्सीडेंट नहीं था, मेरे साथ रह के जो मुझे धोखा दे रहे थे उनको मारने वाला मैं खुद था, समझे? तो मैं भी एक खूनी हूँ। उस केस को डील किसने किया पता है? मेरा दामाद ब्रिलियंट है, सब कुछ जांच पड़ताल करके सारा एविडेंस इकट्ठा कर लिया और मेरी आंखों के सामने ही सारा एविडेंस जला के राख कर दिया। उससे मैंने पूछा था तुझे कितना पैसा चाहिए, लेकिन उसने इतने पैसे के डिमांड की कि अगर मैं देता तो रास्ते पे आ चुका होता। तब मैंने उसे एक डील की, मैंने कहा इतना पैसा मैं तुझे नहीं दे सकता, तो उसने कहा अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। सो डील सबके सामने पक्की हो गई, पूरा वाइट। इसमें वो भी खुश रहेगा, तुम भी खुश रहोगी, मैं भी खुश रहूंगा। खूनी के
साथ में कैसे खुश रह सकती हूँ? मेरे साथ रह के तंदुरुस्त नहीं है क्या? आजकल जमाने में सब कुछ नहीं होता बेटी, लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते। अरे रे, ऐसे रोने से मेकअप खराब हो जाएगा, रो मत, शादी का जोड़ा पहन के मंडप में आ जाओ। नो डैडी, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मुझे इंग्लिश नहीं आती बेटी, गो एंड सिट मंडप, ओके? हे यू गो एंड टेक हर। अच्छा, ये सब तुम्हें किसने बताया? क्यों, उसे भी मारना चाहते हैं क्या? वो तो बच गया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं सुसाइड कर रही थी। तभी आप सब आ गए। अगर दो मिनट पहले आते तो मैं खुद ही आप लोगों के साथ आ जाती। मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन जब हॉस्पिटल में आंखें खुली तो पता चला कि मैं जिंदा हूँ और कोई मुझे किडनैप करके लाया है। लेकिन कौन लेकर आया था ये नहीं जानती थी और डॉक्टर को भी नहीं मालूम था। फिर सोचा मैं इस तरह से नहीं जी सकती, इसीलिए समुंदर में कूद गई। दो बार मौत को नजदीक से देखने के बाद खुद मेरे अंदर जीने की इच्छा जाग गई। मैं जीना चाहती थी। जब पहली बार तुम्हें देखा था तो पति के रूप में ही देखा था। ये सब देखने के बाद लगा भगवान मुझे जिंदगी जीने का मौका दे रहे हैं। लेकिन जब तक तुम मुझे पसंद नहीं करोगे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, ये मैंने तय किया था। इसलिए बार बार तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रही थी और इसलिए इस तरह का बर्ताव कर रही थी। सही कहते हैं किस्मत, अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रह गया ना तो कबाब में हड्डी बन जाऊंगा तुम दोनों के लिए। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ अपने रास्ते। प्रिया, I'm really sorry. वो गुस्से में मैंने तुम पर हाथ उठाया। देख लिया ना, जब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया तो इसने तुरंत तुमसे माफी मांग ली। ए, चुप यार। अभी से कबाब में हड्डी लगने लगा क्या? मैं ठीक है, ठीक है। मैं मर्द हूँ ना, इसलिए गुस्सा आते ही हाथ उठ गया। I'm really sorry. प्रिया, hey, hey! इस गुंडे के साथ ये सब करने के लिए तू घर से भाग आई थी क्या? इसलिए इस लड़की को तू ऐसे मारेगा क्या? ये मेरी बेटी है। वो तब थी, अब ये मेरी होने वाली पत्नी है। कहाँ जा रही है? मेरी नाक कटा के तू मेरी बात सुन पड़ी? उसे ऐसे क्यों मार रहे सर? वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। देखिए सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, क्या बता रही है? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। अरे देखिए जवान लड़की को ऐसे चीज़ के मत ले जाइए। पापा छोड़ दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए। अरे रुक जाइए। मुझे कुछ नहीं आना। क्या कर रहे हैं? अरे वो लड़की है, उसे प्यार से तो बात समझ नहीं है। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। क्या कर रहे हैं? इसे छोड़िए, देखिए जवान लड़की है, आप बात समझ नहीं रहे। पापा रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। पापा को चोट नहीं लगी? पापा ठीक है? चलो ना चलो। पापा प्लीज
चार दिन में चार खून करके ड्रग्स के केस में, स्मगलिंग के केस में फंसकर, इतने सारे केस में फंसकर जेल के अंदर दो पुलिस वालों को मार कर बाहर आया है तू। अब क्या, अब लड़कियों को किडनैप करता है? ये कौन है पता है? बॉटल मनी, बॉटल मनी। अय्यर ये कौन है? ये वो बॉटल मनी नाम बता रहा था। नहीं ये बॉटल मनी नहीं है, ये गुंडा होने की एक्टिंग कर रहा है। आम जनता कह रही है। मेरी बात सुनिए। एनजी ये कौन है? बॉटल मनी। ए लड़के लोग, बॉटल मनी सर। ए तू कौन है ये? बॉटल मनी। हाँ बॉटल मनी सर। बॉटल मनी, बॉटल मनी। आप अपनी लड़की को लेकर जाओ, इस बॉटल मनी को स्टेशन लेकर आओ। यस सर। इसे मारते मारते ले आओ, छोड़ना मत, बाकी मैं वहां देखता हूँ। ओके सर। पापा छोड़िए मुझे। मर जा तू, मरने से तू नहीं डरती और मारने से मैं नहीं डरता। तू जब मरेगी ना तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। ए, 18 लोगों को मैंने मौत की घाट उतारा है। माचिस दे रहे। मालिक ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। चल माचिस जलाएगा। जला दीजिए। नहीं बहनों को नहीं दीजिए। तुम जाए भी नहीं जिला। मर जा। तू भी साथ में मर जा। तुम दोनों को ही साथ जला दूंगा। ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे पता था इसलिए मैं आया। आपको वापस एक और फायर एक्सीडेंट से नहीं बचा पाऊंगा। इसको मेरी कस्टडी में छोड़ दो। नहीं, उसे मरना नहीं होगा। ससुर जी नहीं, इसको मरना नहीं है, इसे मेरे साथ जीना है। ऐसे क्यों देख रहे हो? इंक्वायरी में पता चला कि आपकी बेटी भागी नहीं है, इसका अपहरण हुआ था जो इसे पता भी नहीं। इसके दिल में जो प्यार का फूल खिला है वो मेरे साथ रहेगी तो मुरझा जाएगा। मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है ससुर जी, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ले जाइए दामाद जी। क्या बेल्ट से तेरी खाल उधेड़ दूंगा ये सोच रही है? बेल्ट मैंने इसलिए नहीं निकाला है। तू क्या करना चाहता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, पर मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा जरा एक बात तो बता, तूने मुझे क्यों रखी है? पुलिस हूँ ये बताने के लिए। हर मूछ रखने वाला पुलिस नहीं होता और हर बिना मूछ वाला डरपोक नहीं होता। तो क्या तेरा लवर बहुत हिम्मत वाला है क्या? इसलिए तो खुद उससे डर कर उस पर झूठा केस डालकर अंदर कर रहा था ना। अगर तू एक सच्चा पुलिस वाला होता ना तो ऐसी हरकत कभी नहीं करता। जब उसे इसके बारे में पता चलेगा ना तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। ए, चुप रह, बहुत भाषण दे रही है उसके बारे में। उसके लिए इतना प्यार है क्या तेरे दिल में? सिर्फ मेरे दिल में ही नहीं उसके दिल में भी है। ठीक है, अगर मैंने तेरे साथ जबरदस्ती की फिर भी वो तेरे से प्यार करेगा? वो मुझे दिल से प्यार करता है, जिस्म से नहीं। अगर इस जिस्म को मैंने रौंद दिया तो तू क्या करेगी? भगवान को चढ़ाने वाले प्रसाद पर अगर कौवा मुंह मारता है तो उस कौवे को क्या कह सकते हैं? भगवान के चढ़ाए हुए प्रसाद को पहले कौवे लोग को ही खिलाते हैं, उसके बाद ही उस प्रसाद को इंसानों को खिलाया जाता है। इसका मतलब तो खुद को इंसान नहीं कौवा ही समझता है ना? कुछ भी हो, तुझे हासिल करने वाला पहला इंसान तो मैं ही हूँ ना। आ जा। पहला मैंने कहा ना तुझसे
ये प्रसाद पहले ही भगवान को चढ़ चुका है। तू झूठ बोल रही है ना, मुझे पता है तू झूठ बोल रही है। जब तक मैं तुझे ये बात नहीं बताती तो तुझे कभी पता नहीं चलता, इसलिए मैं खुद तुझसे ये बात कह रही हूँ। किसको धोखा देना है और किसे अपना दिल देना है, ये बात एक लड़की खुद तय करती है। मेरे शरीर पर अभी भी केरोसिन है, चाहूँ तो खुद को जला सकती हूँ। अगर मैं मर गई तो तू हार जाएगा, लेकिन तेरी हार से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं जीतना चाहती हूँ। सुब्रमणि से शादी करके मैं तुझे हराऊंगी। ठीक है, तू पवित्र है या अपवित्र है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, समझी। मैं जो तेरे साथ करने वाला हूँ वो मेरी खुशी के लिए है, तेरी खुशी के लिए है, मेरे लिए है, तेरे प्यार के नशे को उतारने के लिए है। हेलो, क्या हुआ? नो 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 नो, ऐसा मत कर, मैं आ रहा हूँ, आई विल बी देयर। मैं अभी जाकर आता हूँ, फिर तुझे देख लूंगा। शर्ट शर्ट ले रहा था। तेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि तू एक्टिंग करने की वजह से जेल आ गया है। जब मैंने अपनी बेटी से पूछा तो पता चला कि तू क्यों एक्टिंग कर रहा है। सॉरी मामा, आपने बोलने से मना किया था। देखो साले साहब, मेरी बेटी जिससे प्यार करती है उससे शादी करवा दूंगा। सुधर गया शायद। कौन? अरे अरे चुप हो जाओ ना। ओके हो गया क्या? इस शादी को तू ही करवाएगा, समझा क्या? चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ से बाहर लेके आऊंगा। थैंक्स जीजा। ए, इन्हें अंदर किसने आने दिया? मैंने तुम्हें मना किया था ना। सर वो जेलर है। इसलिए जेलर है तो क्या, पूरे परिवार को भेज देगा। गेट आउट गेट आउट गेट आउट। आप लोग जाओ यहाँ से। ये देख, तू इस स्टेशन का इंचार्ज है, मैं इस एरिया का इंचार्ज हूँ, और जैसा मैं कहूंगा तुझे सुनना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर। ए, ऐसे क्या देख रहा है? एक एक को बंद कर दूंगा जेल में, रास्कल्स। सर अपनी नाभी में तेल लगाइए, आपको थोड़ी गर्मी कम होगी सर। गेट आउट यू ब्लडी। ओ, वो फाइल्स कहाँ हैं? नमस्ते सर। अभी क्या चाहिए? कुछ नहीं सर, ये सारी फाइल आपको दिखा के मनी को यहाँ से ले जाने आया हूँ। क्या क्या फाइल है ये? ओरिजिनल बॉटल मनी के सबूत और फोटोज हैं इस फाइल में। एक जेलर होने के नाते मैं ये सब इकट्ठा कर पाया। सर बॉटल मनी कोई और है, ये तो मेरा साला। अगर तुम चाहो तो ये फाइल को कोर्ट में लेके जाकर जमानत लेके आना, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन कल और परसों सैटरडे संडे है। मंडे का दिन आएगा ना सर, आप ऐसा। ए, जा यहाँ से। सर दया कीजिए सर। जाना, चल जा। क्या गुस्सा आ रहा है? ऐसे क्या देख रहा है? तेरे जीजा की इज्जत उतार रहा हूँ वो देख रहा है? तेरा जीजा क्या, मैं अपने ससुर से भी ऐसे ही बात करता हूँ, समझा? तुझे और एक बात पता है क्या? एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। पता है आज मेरा फर्स्ट नाइट है। किसके साथ? तेरी लवर के साथ। क्यों बेघूर क्या रहा है? अभी वो मेरे कस्टडी में है, फूल। अरे सुन, तूने उसको छुआ क्या? नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब है उसका भी फर्स्ट नाइट नहीं हुआ है और मेरा भी नहीं हुआ, मतलब आज हम दोनों का फर्स्ट नाइट है। तो सब कुछ खत्म करके कल सुबह मैं आकर तुझे बताऊंगा कि आज रात को हम दोनों के बीच क्या क्या हुआ है। अरे तू सुन पाएगा ना, मैं तुझे आके एक एक डिटेल देने वाला हूँ। अरे अपने दोस्त को ऑल द बेस्ट बोल। अरे आज तेरी फर्स्ट नाइट है ना, अगले 3 महीने तक तू बेड से उठ नहीं पाएगा, खाली करता रहेगा। क्या देख रहे हो तुम लोग? मारो इसको, मारो। सर ये सर, आप लोग खाइए। हाँ, सब कुछ खराब हो गया। जो खाना खराब हो गया हमें खिला रहा है। मेरा भरोसा खराब हो गया ये कह रहा अच्छा, था। अच्छा ऐसा। बॉटल मनी झूठ, ब्लड कैंसर झूठ, इस राकेश की बहन झूठ, ये सब बातें झूठे। इसकी मुझे परवाह नहीं बल्कि खुशी है। और मैंने तो एक सपना देखा है। क्या सपना देखा था? यही कि मेरी बेटी गायत्री और सुब्रमणि शादी करके घर पर आए हैं, ये सच हो जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता, मणि सर की किस्मत में प्रिया ही लिखी है। फिर मैंने जो देखा है वो सपना? कहीं और सो जाओ, आ जाएगा। ए तू चुप बैठ। फिर तूने सुब्रमणि से प्यार किया था उसका क्या? अरे पापा आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने आज तक किसी लड़के से प्यार नहीं किया। तो उसे ऐसे बात क्यों करती थी? जैसे इन लोगों से बात करती थी वैसे ही उनसे भी करती थी। पापा मैं 2 साल की थी तब मेरी माँ मर गई थी ना, लेकिन उसके बाद भी आपने कभी दूसरी शादी नहीं की सिर्फ मेरी खातिर। इसके बावजूद आपको छोड़कर किसी और के साथ चली जाऊँ मैं क्या पापा?
अगर आप मेरी शादी करवाना ही चाहते हैं तो अपने लिए कोई घर जमाई ढूंढिए, तभी ही मैं शादी के लिए हाँ कहूँगी। ऐसा कैसे हो सकता है बेटी, यहाँ पर कौन आएगा? जरूर आएगा सर, मेरी पहचान का एक लड़का है सर, खुद का बिजनेस करता है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। कौन है वो? हर गली कूचा जानता है, अच्छे लोगों से मिलता है, अच्छा गाना गाता है, अच्छा सोचता है, अहिंसावादी है, लोगों की भलाई करता रहता है। उसका दिल इतना बड़ा है कि लोग उसके दिल को दरिया बोलते हैं, गरीबों का रिश्तेदार है। वो मैं हूँ सर। तू भी मेरे सपने में आया था। क्या? गाना भी गाया था। वो डुएट गायत्री के साथ ना? अब वो डुएट था या क्या पता नहीं, लेकिन मेरी बेटी शादी के जोड़े में आई थी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। ठीक है। तुमने उसे ऐसे देखा, मुबारक हो तुझको ये शादी तुम्हारी, ऐसे हाई स्पीच मजाक कर रहा था। वो ऐसे ही नहीं, मजाक नहीं था, सच है इस बार। अरे बाप रे, क्या बॉटल मनी इतना चीप आदमी है क्या? इतना प्रोटेक्शन के बाद वो भागने की कोशिश नहीं करेगा? अच्छा, इतनी प्रोटेक्शन के साथ उसे कोर्ट में खड़ा करोगे? वो बॉटल मनी नहीं है इसलिए कोर्ट उसे छोड़ देगा, उसके बाद कोर्ट जाएगा तब। यही तो मैं भी सोच रहा था, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बेस्ट ऑफ लक दमाद जी। ओके, क्या यार, इसके लिए भी किसी से परमिशन लेना है क्या? कैसी परमिशन सर, ये तो अनएक्सपेक्टेड होता है ना। चलो यहाँ से, चलो निकलो। अरे चल यहाँ से, वरना तेरा एनकाउंटर कर देंगे ये लोग। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो, निकलो। सर, तूने प्रमोशन की बात की थी जी ना? सर। तुझे भी चाहिए? हाँ सर। ए, भाग, चल भाग। एनकाउंटर है क्या? क्यों, तेरे काउंटर में रखे शूट करना? बोलना। तेरे दो कांस्टेबल्स को मैंने मार दिया, आवाज सुनकर तू अंदर आया, मैंने तुझे लात मारी, तुझे गुस्सा आया और तूने गन उठाकर मुझे गोली मार दी। गोली चला। सर, पब्लिक को हटा दिया सर। हाँ, अभी क्या, मैं दौड़ूंगा तो तू गोली मारेगा? ओके। तेरे बंदूक में गोली है कि नहीं वो देख। बता मुझे, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, तुझ पर झूठा केस डालकर तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। मैं घर का अकेला लड़का हूँ, अगर मैं मर गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा सर? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता सर, सच बोल रहा हूँ। तू सच बता दे, वो लोग कहाँ छुपे?
हैं और एनकाउंटर के बारे में तुझे कैसे पता चला? बता, बता मुझे, नहीं तो मार दूंगा। बता, बता नहीं तो बता किसने कहा? मैंने बताया था सर। क्या बोला? ये प्यार का मामला है सर, इसके लिए इनकाउंटर के नाम पे सुब्रमणि को मारना मुझे अच्छा नहीं लगा सर, इसीलिए बता दिया। आई एम सॉरी सर। ओह, वो सिर्फ प्यार का केस है क्या? एक असिस्टेंट कमिश्नर का केस नहीं है? मेरे पर्सनल केस को तू अपना पर्सनल केस नहीं मानेगा? ये मेरा पर्सनल केस है, सोचकर ही मैंने ऐसा किया था सर। एक लड़की नहीं मिली तो क्या हुआ, दूसरी लड़की से करनी है शादी? भगवान, तुझे इस तरह से इसने मार दिया। कितने सालों से तू ईमानदारी से मेरे साथ काम कर रहा था। खतरनाक हथियारों की स्मगलिंग करते हुए ग्रुप को पकड़ने गए इंस्पेक्टर तैवन को उस हथियार ग्रुप वालों ने मार डाला। मरने से पहले इंस्पेक्टर ने एक मुजरिम को मार गिराया था और पुलिस ड्राइवर घायल है। इसके बारे में ACP कुछ बताएंगे। वो सिर्फ फ्रेंड्स नहीं थे, वो उससे भी कई बढ़कर थे। वो अक्सर मुझे एडवाइस किया करते थे और उनको बेरहमी से मार डाला, बेरहमी से मार डाला। You know, he was a very sincere police officer. सुनो, वो ACP तुम्हें कोर्ट ले जाते समय रास्ते पे तुम्हारा इनकाउंटर करने की सोच रहा है, तू मुझे मार के यहाँ से निकल जा, जल्दी जा। नहीं, मैं बचकर निकल गया तो एक और केस बन जाएगा। आपका जरा फोन देना मुझे। यार, तू फोन लेके किससे बात करना चाहता है? वो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सब देख लेंगे। फिर ले, बस मेरा नाम मत आने देना, मैं बाल बच्चे धार वाला आदमी हूँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई बात नहीं। ड्राइवर के फोन करने के बाद मैं स्पॉट पर पहुंचा। हथियारों की तस्करी हो रही है, हमें ऐसी खबर मिली थी। खबर मिलते ही हम सीधे यहाँ पर पहुंच गए और तभी 4-5 लोगों ने तलवार से हम पर अचानक हमला कर दिया और उन लोगों ने हमारे इंस्पेक्टर को जान से मार दिया। इंस्पेक्टर साहब ने मरने से पहले एक आदमी को मार गिराया पर बाकी हमलावर भाग गए। मैं उस आतंकवादी को पकड़ कर ही सांस लूंगा और उस ग्रुप का हेड बॉटल मनी उसे बहुत जल्दी पकड़ कर दिखाऊंगा। हाँ, नहीं सर, मैं बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ। अरे किधर भाग कर जाएगा, टोटल ग्रुप को पकड़ लिया है। सेंटिमेंटल आदमी है वो, इन लोगों को
प्रिया। प्रिया 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 मैं तुम्हें रूम में धकेल कर कड़ी लगाने की बजाय तुम मुझे रूम में बंद करके दरवाजा बंद कर रही हो। वेरी गुड वेरी गुड, ये अच्छा तरीका है। नाइस, कीप इट अप। काट दूंगा, पहले ही बता रहा हूं। आ,
दिया। दरवाजा खोलो। तुम यहाँ से निकल जाओ वरना वो तुम्हें मार देंगे। प्लीज चले जाओ यहाँ से। दरवाजा खोलो। मैं उस एसीपी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा ने हाँ कह दिया था। वो एसीपी मुझे जबरदस्ती उठा कर लाया। वो मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सही वक्त पर मेरे पापा ने आकर मुझे बचा लिया। उस झगड़े में दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। एसीपी ने ही इंस्पेक्टर और उस लड़के को जान से मारा था। आपने उस दिन क्यों नहीं बताया? अगर मैं उस दिन बता देता तो जो उन दोनों के साथ हुआ वही मेरे साथ भी होता। प्रिया प्रिया अच्छा तुम आ गए। मुझे सब कुछ पता है, डरो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या आप ही इनके लवर? देखकर पता नहीं चल रहा है, ये अभी बहुत टेंशन में। जाओ यहाँ से। हम जा रहे हैं काका, चलते हैं। अच्छा चलते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं होगा, खुश रहो। आज के बाद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं खोगे। ठीक से पढ़ाई करना, जिंदगी में आगे बढ़ना, टाइम मिले तो मिलने आना। बाय बाय बाय। ऑटो वाले को भूल मत जाना। अरे मेरी प्यारी कहाँ छोड़कर जा रही है मुझे? अरे रुक जा। हम भी चलते हैं। ठीक है। कौन सा महीना है? तीसरा महीना। डॉक्टर के पास ले जाकर बार बार इसे चेकअप करवाओ। ठीक है, ठीक है, हम लोग भी निकलते हैं। कहाँ? ससुर के घर पे ना? हाँ, दूसरा रास्ता। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलता हूँ गायत्री। हाँ हाँ, गायू गायू, समय निकाल कर मिले आना। अरे क्या रे, क्या मणि, कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता है? भाभी मिल गई तो दोस्त को भूल जाएगा क्या? क्या कहा तुमने? अरे नहीं सिस्टर, याद है तूने क्या कहा था? ससुर के घर पे ज्यादा दिन नहीं रहेगा, इसलिए तुझे एडवांस में 50,000 रुपए चाहिए। मैटर रेडी, मीटर रेडी, दे रे। हाँ, एक आदमी बहुत उछल रहा है, उसको सबक सिखाना है। क्या फिर से बॉटल मणि बनना है क्या? इस बार बॉटल दे तलवार। किराए पर घर चाहिए हमें। टूलेट बोर्ड क्या है काका? हम लोग कट्टर ब्रह्मचारी हैं काका। हम लोग अच्छे घर से आए हैं काका। जी हाँ सर, मदिरा पान करना, धूम्रपान करना, लड़कियाँ छेड़ना, मांस खाना, ऐसी कोई बुरी आदत हम में नहीं है सर। अगर आपके घर में ऐसा कोई करता है तो हमें पहले ही बता दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और कोई और मकान ढूंढ लेंगे। बस हो गया हो गया, पहले घर तो देख लो, अगर पसंद आए तो बाकी बातें करते हैं। मैं कॉलेज जाकर आती हूँ पापा। ठीक है बेटा, आप लोग अंदर आइए। हाय बेबी। मूवी देखती हो क्या? अरे बाप रे। ए, क्या? नमस्ते सिस्टर। आप ठीक है? मजाक कर रहा था, मजाक।